नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं SSC CGL मेंस में 2011 से लेकर 18 तक पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का पार्ट टू। और पार्ट वन आपको ऑलरेडी मिल चुका है जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस किए थे एक्सेप्ट टू क्वेश्चंस ऑफ APGP एंड नंबर सीरीज, वो इस वीडियो में कर लेंगे क्योंकि इस वीडियो में नंबर सीरीज के हम कई सारे मतलब जो सीरीज है उसके कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट वाला भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने पहली पार्ट मतलब पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए क्योंकि वहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो पहले पार्ट को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इससे ये देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे मुझसे भी और पूरी तरह से समझ में भी आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पसंद आएगा कंटेंट यूजफुल लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 13, यानी कि 100 से 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य, यही पूछा गया। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, 100 से 400 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या, यानी कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 13, यानी 100 से 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, तभी तो आप योगफल निकाल पाएंगे यानी कि सम निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि 100 और 400 के बीच में सबसे पहली संख्या जो 13 से कटेगी, 13 × 8 = 104, यानी 104 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 एंड लाइज बिटवीन 100 एंड 400, ठीक है। और लास्ट संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या जो 100 और 400 के बीच में और 13 से कट रही है वो आपकी हो जाएगी 390। इसके लिए आपको भाग करके चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करती है, तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको निकालना है कि कितनी ऐसी संख्या है, तो आपको पहला पद पता है और लास्ट पद पता है। मैंने आपको बताया था लास्ट पद बराबर होता है पहला पद प्लस अगर पदों की संख्या इनके बीच में n हो तो n माइनस वन इंटू सब जो इनके बीच का अंतर आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं कि 104 और 390 का अंतर लें तो आपका कितना हो जाएगा 286, और उसको 13 से भाग कर दें, 13 से भाग करिए तो 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13 से भाग करने के बाद 13 × 26 22 आ जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 100 से 400 के बीच में आती हैं और 13 से कट रही हैं। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। आपने अंतर लिया 286 आया, उसको किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 13 से, तो 13 से डिवाइड कर देंगे आपका आ गया 22, और इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने के बाद हमारी आ जाएगी कितनी संख्याएं हैं 23। यह आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ पे L बराबर 390, A बराबर 104, D के जगह पे दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 13, क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं 13 से डिविजिबल हैं तो वो 13 के गैप पे होंगी, यहाँ से आपकी एन की वैल्यू 23 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि सम क्या होगा यानी उनका योगफल क्या होगा, तो ये चूंकि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 13 ऑलवेज बन रहा है क्योंकि 13 से डिविजिबिलिटी मतलब 13 से दोनों संख्याएं डिविजिबल हैं। मान लो पहली संख्या 104, अगली आएगी 117, अगली आएगी 130, तो ये सारे के बीच का डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 13। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर n संख्याओं का सम हम बात करें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में यानी अंकगणितीय श्रेणी या समांतर श्रेणी में, तो SN बराबर होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ पे ए पहला पद एल लास्ट टर्म एन पदों की संख्या। ये फार्मूला एक और होता है, चूंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये भी पुट कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म ना पता हो तो हम ये भी लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है, तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी कि हमारा सम आ जाएगा पदों की संख्या n बराबर आया है आपका 23, तो ये हो गया 23/2 इंटू पहला पद गुणे धन अंतिम पद यानी 104 धन 390 यानी कि 494, और 494 को 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 247, और 247 का 23 में गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए, तो देखो 23 × 240 करिए, 23 × 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 × 69, और ये आपका 23 जुड़ जाएगा यानी 569 में 23 जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 23 × 23, यानी आप ऐसे गुणा ही कर लीजिए, 23 × 7 कितना होता है 161, हासिल आई कितना आया 16, 23 × 92 16, 108 हासिल आई 10, 23 × 2 = 46, 10 = 56, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5681, यानी सम कितना आ गया 5681। तो पहला क्वेश्चन था, इस वजह से बहुत डिटेल में मैंने समझाया ताकि आप जुड़ पाए मेरे साथ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, जैसे 23 आ गया 247 आ गया तो यूनिट डिजिट लेके 3 × 7 = 21, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में 2
यूनिट डिजिट, दो संख्याओं में यूनिट डिजिट एक थी, तो हम इसी वजह से यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे नहीं गए, हम यहीं से कर ले रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगर समझ आ गया तो लाइक कर लो। अब चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी मैंने डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर दी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो वो वीडियो देखें, अदरवाइज यहीं से देख लें अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखो पहली संख्या आपको दिया गया, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 एंड के इज 5184 देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। यानी दो संख्याओं 1728 और के का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है, तो आपको के के कितने मान पॉसिबल हैं यही पूछा गया। देखो आपको पहली संख्या n1 इज गिवन एज 1728 एंड योर सेकेंड नंबर n2 इज इक्वल टू के दिया गया है, और आपको पता है LCM इनका क्या है, LCM इज इक्वल टू दिया गया है 5184। अब देखो अगर इन दोनों का 1728 को फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और गुड़े 3 के पावर 3, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुड़े 3 के पावर 4। अब एक चीज बताइए, अगर दो संख्याओं का एलसीएम अगर मैं बात करूं कि 2 के पावर a 3 के पावर b और 2 के पावर m 3 के पावर n, इनका एलसीएम अगर मैं बात करूं कि 2 के पावर m और 3 के पावर b है, तो आपसे यहाँ से क्या समझ पाएंगे? अगर मैं कहूँ कि 2 to the power a 3 to the power b एंड 2 to the power m 3 to the power n का एलसीएम 2 के पावर m 3 के पावर b है, तो आप कहेंगे कि एलसीएम में चूंकि हाईएस्ट पावर ली जाती है, यानी कि 2 के पावर m, ये जो m है वो a से बड़ा होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर ली गई, और चूंकि 3 के पावर b एलसीएम में आ रही है यानी कि b बड़ा होगा n से, तभी ये आया है। इससे ये समझाने का केवल और केवल एक उद्देश्य था, वो क्या है कि अगर एलसीएम में 2 के पावर 6 आ रहा है यानी कि 2 की पावर मैक्सिमम पावर 6 हो सकती है, मैक्सिमम पावर 6 होगी चाहे पहली संख्या में आई हो चाहे दूसरी संख्या में, यानी दूसरी संख्या में 2 की पावर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 के पावर 7 होती यहाँ पे, दूसरी संख्या में 2 के पावर 7 आ रहा होता तो आप कहते कि जी एलसीएम में तब 2 के पावर 7 आ जाता क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 की 6 हो सकती है, और चूंकि पहली संख्या में आ गई तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि हम एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि 2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम मान लें कि दूसरी संख्या हमारी 2 to the power a 3 to the power b है, हमने ये क्यों माना कि 2 to the power a 3 to the power b, हमने 5 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों नहीं लिया संख्या में, क्योंकि एलसीएम में हमारे ना 5 आ रहा है ना 7 आ रहा है, केवल 2 और 3 आ रहा है, इसी वजह से हमने 2 और 3 के पावर के रूप में लिखा। ठीक है, अब आप समझिएगा, अब आपको पता है कि 3 के पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे एलसीएम में 3 के पावर 4 आ रहा है, यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं में देखें तो 3 की हाईएस्ट पावर 4 रही होगी तभी एलसीएम में 4 आ रहा है, यानी बी की वैल्यू तो 4 हो गई, यानी हमारी संख्या बन गई 2 to the power a 3 to the power 4। अब आपको जो समझना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए की मैक्सिमम 2 की मैक्सिमम पावर एलसीएम में ली गई है जो कि 6 है, और पहली संख्या में ही 2 के पावर 6 आ गया, यानी कि हमें न्यूनतम मतलब न्यूनतम पावर से मतलब ही नहीं होता है एलसीएम में, यानी यहाँ पे 2 की पावर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 2 के पावर 6 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में 2 के पावर 6 आ रहा है, और 2 के पावर कुछ भी हम इस संख्या में लें तो हमें हाईएस्ट पावर यहीं से पता चल गई, तो यानी कि ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 7 वैल्यूज हैं जो ए की हो सकती हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि एलसीएम में 6 ही आ रहा है, और 0 से कम नहीं क्योंकि निगेटिव पावर होगी नहीं, तो आपको यहाँ से समझना होगा कि ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ए की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतने के की वैल्यू हो जाएगी, ए बराबर 0 लेंगे तो 3 के पावर 4 हमारी संख्या आ जाएगी, ए बराबर 1 लेंगे तो 2 × 3 के पावर 4 आएगी, ए बराबर 2 लेंगे तो ऐसे 2 × 2 × 3 के पावर 4, यानी कि के की कुल कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, जितनी वैल्यूज ए की पॉसिबल हैं, यानी कि के की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 7, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहा गया इफ 3 to the power 33 प्लस 3 to the power 33 प्लस 3 to the power 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 33 प्लस 2 to the power 33 इज इक्वल टू 6 power x, तो आपको x की वैल्यू निकालें। ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताओ, 3 के पावर 33, इसमें मैं इसको समझाने को दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपको पता है अगर मैं लिखूँ 2 + 2 + 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 क्योंकि 3 बार 2 आया, इसी प्रकार 3 के पावर 33 3 बार आ रहा है तो हम लिख लेंगे 3 × 3 के पावर 33 और प्लस ऐसे 2 × 2 के पावर 33 बराबर 6 के पावर x। ठीक है, अब आपको पता है 3 × 3 के पावर 33 तो ये हो गया 3 के पावर 34 इंटू है और गुड़े 2 के पावर ऐसे 33, 2 के पावर 33 इंटू 2 यानी 2 के पावर 34, और आपको एक फार्मूला पता होगा, यह फार्मूला क्या बेसिक ही है, ए पावर बी इंटू सी पावर बी बराबर हो जाता है, अगर पावर समान हो तो ए इंटू सी पावर बी हो जाता है,
यानी कि अगर 3 पावर 34 गुणे 2 पावर 34 है तो इसको हम 3 गुणे 2 के पावर 34 लिख लेंगे। ये बराबर दिया गया 6 के पावर n, यानी 6 के पावर 34 बराबर 6 के पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 34। x की वैल्यू कितनी हो गई 34। अगले प्रश्न पे आ जाएं, कोई दिक्कत? देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में अक्सर दिखाई पड़ता है कि ये केवल नंबर बढ़वाने के लिए आता है, बाकी इसकी औकात कुछ नहीं होती। कहा गया इसमें से 65 पावर 1/6, 17 पावर 1/4 और 12 पावर 1/3 को आप किसी ऑर्डर में चाहे बढ़ते चाहे घटते क्रम में लिखें वही लिखना है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा कब आएगा, किस ऑर्डर में आएगा वही आपसे पूछा गया। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम ऊपर इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो 12 के पावर 1/3 पहली संख्या आपको दी गई है, दूसरी संख्या दी गई 17 के पावर 1/4 एंड थर्ड नंबर इज गिवन है 65 to the power 1/6। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि अगर पावर फ्रैक्शन में ना हो तब तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में हो तब क्या करें। उसके लिए क्या किया जाता है, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए जो कि हो जाएगा 12। अब सबके पावर को 12 बनाइए, 1/12 बनाइए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 12 के पावर 4 के पावर 1/12। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 के पावर b के पावर c होता है 1 के पावर bc, तो 4 गुणे 1/12 हो जाएगा, यानी 1/3 ही लिखा हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं 17 के पावर 3 के पावर 1/12 और ऐसे इसको लिख सकते हैं 65 के पावर 2 के पावर 1/12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें कि 17 के पावर 3, या पहले इसको लिख लो, ये हो गया 144 गुणे 144, यानी 12 स्क्वायर गुणे 12 स्क्वायर के पावर 1/12। ये अगर आप सॉल्व करें थोड़ा सा तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 गुणे 17 के पावर 1/12 और ये आपका 65 गुणे 65 के पावर 1/12 दिया गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। आप कहेंगे जी 65 गुणे 65 यहाँ पे है और यहाँ पे 144 गुणे 144, यानी ये संख्या इससे तो छोटी हो गई, इससे छोटी हो गई। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनका नामांकन करें तो आप कहेंगे जो थर्ड वाली नंबर है वो फर्स्ट से तो छोटी हो गई। अब हम तुलना कर लेते हैं फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम तुलना करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 144 गुणे 144 दिया गया। आप क्या काम करिए, 144 यहाँ से आप कितना निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए इसमें से, 4 अगर हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 36 और यहाँ पे आपका 576 हो जाएगा। अब देखो 576 गुणे 36 बड़ा है कि 289 गुणे 17, आपको पता है दोनों संख्या यहाँ पे बड़ी, यानी ये वाली संख्या इससे भी बड़ी हो गई, यानी फर्स्ट नंबर थर्ड से भी बड़ी हो गई, फर्स्ट नंबर सेकंड से भी बड़ी हो गई, समझ रहे हो ना। अब हमें तुलना करनी है सेकंड और थर्ड में। अब अगर सेकंड और थर्ड में तुलना करने जाएं तो आप ध्यान दीजिए, आप एक काम करिए यहाँ से 9, 8, 17, 2, 19 यहाँ से लगभग कितना निकाल लीजिए, यहाँ से अगर हम निकालें 5 निकालिए 5, अगर हम यहाँ से निकालेंगे 5 या 4 निकालिए 4 से 4 यहाँ से निकालेंगे तो ये लगभग 72 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ से निकाल के इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो ये 72 लगभग बच रहा है और ये 68 हो जा रहा है। अब आपको पता है 72 गुणे 68 बड़ा हो गया या 65 गुणे 65, आप कहेंगे जी 72 गुणे 68 बड़ा होगा, यानी सेकेंड नंबर जो है वो थर्ड से बड़ी है, सेकंड थर्ड से बड़ी है, फर्स्ट सेकंड से बड़ी है, यानी आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 12 के पावर 1/3 फिर 17 के पावर 1/4 फिर 65 के पावर 1/6, यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपका कौन सा सही है, ओनली थर्ड, समझ आ गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, डन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ये प्रश्न देख लो, कहा गया एन बराबर दिया गया आपको 1+11+1+1+1+1+1+ ऐसे .. कितने तक, 3, 3, 6, 3, 9 अंकों तक, यानी कि एक जहाँ पे कितनी बार आया है 3 बार 3, 6 बार और 3, 9 बार, यानी 1, 9 बार, 1, 1 बार से स्टार्ट करके 1, 9 बार इसको जोड़ा गया, पूछा गया सम ऑफ डिजिट क्या होगी। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप यूनिट डिजिट बात करो तो कितने में इकाई अंक आ रहा है, 9 संख्या में, टोटल संख्याएँ कितनी है पहले गिन लो, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 9 अंक है, तो आप कहेंगे 1 अंक वाला फिर 2 अंक वाला फिर 3 अंक वाला फिर 4 अंक वाला ऐसे 9 अंकों, मतलब 9 अंकों वाले तक जोड़ना है, यानी कि टोटल संख्या है 9, यानी कि इकाई अंक कितने में होगा, 9 संख्याओं में इकाई अंक होगा, यानी अगर हम सबको जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1, 1, 9 बार आएगा, तो 9 बार 1, 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। दहाई अंक कितने में होगा, पहली को छोड़ के बाकी 8 संख्याओं में दहाई अंक है, और दहाई अंक है क्या 1, सबका दहाई अंक कितना है 1, तो आप जोड़ेंगे तो 1 8 बार जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। सैकड़े का अंक कितने संख्याओं में, 7 संख्याओं में, ऐसे हजार का अंक कितनी संख्याओं में होगा, 6 संख्याओं में, ऐसे 5 संख्याओं में होगा 10,000 का, फिर 4 संख्याओं में होगा 1,00,000 का, फिर 3 संख्याओं में होगा 10,00,000 का, फिर 2 संख्याओं में होगा 1 करोड़ का, और फिर 1 संख्या में केवल होगा 10 करोड़ का। आप इसको जोड़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी आपकी संख्याओं का समा जाएगा इतना। अब आपसे अंकों का योग पूछा गया, तो आप अंकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको जोड़ दो, तो 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 और 3 42 2 44 1 45, तो अंकों का योग कितना हो गया 45, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 45। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 9 से भाग 9 से गुणा, बिल्कुल कर सकते थे लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन देख लो, कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। अब सीरीज क्या लिखी गई है आप ध्यान से देखो, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 + 2, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलने लगा होगा कि कौन सी सीरीज है। लेकिन अगर हम अल्टरनेट डिजिट देखें तो देखो 1 से 4 हुआ 4 से 7 हुआ 7 से 10 हुआ, यानी 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसे अगर हम दूसरी सीरीज देखें जो बच रही है, 3 से 5 हुआ 5 से 7 हुआ, यानी यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी हमारी दो सीरीज अलग अलग अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 + 4 + 7 + ... 3-3 का डिफरेंस, टोटल 40 टर्म है तो 20 टर्म इस सीरीज में आ जाएंगे और 20 टर्म 3 + 5 + 7 + इस वाली सीरीज में 20 टर्म आ जाएंगे। और दोनों सीरीज का सम करके अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारी पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। तो अगर पहली सीरीज का सम निकालना चाहें तो आप थोड़ा सा फार्मूला में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 20 टर्म है तो SN बराबर होता है N/2, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, (2A + N-1)D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस। अब आप फटाफट वैल्यू रखो, तो पहली सीरीज के लिए यानी S1 अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या के लिए N/2 यानी 20/2 = 10 (2A) यानी 2 + N-1, 20 टर्म है तो 20 - 1 = 19 और गुड़े 3 = 57, यानी 57 * 2 = 59 और 10 का गुड़ा यानी 590। ऐसे इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ सेकंड सीरीज यानी कि S2 = कितना हो जाएगा, N/2 यानी 10 * 2A यानी कि 6 + N-1 यानी कि 19 * 2 यानी 38, 38 * 6 = 44, 44 * 2 = 440। अब पूरी सीरीज का सम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो तो 590 + 440 कितना हो जाएगा, 1030, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.2 + 1/0.02 + 1/0.002 + 9 टर्म्स तक, यानी 9 पदों का मान निकालें। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि सर ये पहला 5 लिखा हुआ है, दूसरा 50 लिखा हुआ है, तीसरा 500 लिखा हुआ है, ऐसे .5 के बाद कितने, देखो तीसरे वाले में 2 जीरो आ रहा है, दूसरे वाले में 1 जीरो आ रहा है, तो ऐसे 9वें में 8 जीरो आ जाएगा, यानी कि आपका इतना कुछ बन जाएगा, 3 3 6 1 7 1 8, ठीक है। यानी कि आपको इसका योग निकालना है। अब अगर योग निकालना है तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे देखो 8वां पद में कितने जीरो होंगे, 7 जीरो, यानी 8वां पद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 7वां पद ऐसे, फिर 6वां पद ऐसे, फिर मतलब कि ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो यूनिट डिजिट जो अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिट डिजिट केवल एक में आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट केवल एक में आएगा, बाकी सब जीरो हो जा रहे हैं। फिर दहाई का अंक केवल एक में आएगा, फिर सैकड़े का अंक केवल एक में आएगा, ऐसे यानी कि 9 × 5 आ जाएगा, 9 × 5 आ जाएगा, यानी 3 3 6 2 8 1 9, यानी कि 9 × 5, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहली मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड समझिए, अगर आपको दूसरी मेथड करना है तो देखो पहला पद बन रहा है 5, दूसरा पद बन रहा है 50, तीसरा पद बन रहा है 500, चौथा पद बन रहा है ऐसे ऐसे 10 पदों तक। अब आपको ए पता है, पहला पद पता है, और अगर आप देखें सीरीज को तो 10 10 से गुणा हो रहा है, और अगर गुणा हो रहा है क्रमागत संख्या मतलब दो संख्याओं को, जैसे इसमें 10 से गुणा हुआ फिर 10 से गुणा हुआ, यानी कॉमन जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल है, अगर कॉमन रेशियो इक्वल है तो आप कहेंगे जी ये कौन सी सीरीज बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एन पदों का योग होता है (a)(r^(n-1)/(r-1) इनकेस आर बड़ा हो एक से, और अगर आर एक से छोटा है तो (a)(1−r^(n)/(1−r) हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से इसको सॉल्व कर लो, तो कर लो SN बराबर हो जाएगा पहला पद 5 × 10⁻¹⁰, आपको पता है कितने पद हैं, 9, यानी n बराबर आपको पता है 9 है, तो r^9 यानी कि 10⁻⁹ - 1/r-1 यानी कि 9, यानी कि ये हो गया आपका 5 ×
एक के बाद 9 0 -1 यानी कि 9 9 बार 9 आ जाएगा, 3 3 6 7 2 9 बार 9 आ गया, और इसमें 9 से डिवाइड करना है ये वाला 9, 9 से काटेंगे तो 9 बार 1 आ जाएगा, और 9 बार 1 आ जाएगा उसमें 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 बार 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं किसी भी सीरीज़ को सॉल्व करने के। अब एग्जाम में क्या क्लिक करता है वो मैटर करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में और प्री दोनों में देखने को मिले। प्री में क्या होता है, यही पूछ लिया जाता है कि ये कितना होगा, ये वैल्यू पूछ ली जाती है कि इसको सॉल्व करके वैल्यू है। और मेंस में क्या करते हैं, ये वैल्यू दे देते हैं और कोई कहीं पे एक्स या कोई वेरिएबल डाल देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखो क्या करना होता है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइड कर दें अंग्रेजी वाले भैया, ठीक है कर दिया। अब देखो इसको पलट लो, अगर दोनों पक्षों को पलट लें तो हमें मिलेगा कि 1 प्लस, ये पलटिए और हर को लिख दीजिए, 1 प्लस 1 बाई x, यही हर है, ये बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है 8/5। अब एक को इधर ट्रांसफर मारोगे तो एक इधर माइनस में हो जाएगा, यानी ये 3/5 है। अब फिर आप इसको पलट लो, तो अगर पलटोगे तो हर कितना बचेगा, 1 प्लस 1/1 + 1/x, ये बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। फिर एक को ट्रांसफर मारो, एक को ट्रांसफर मारेंगे 5/3 - 1 यानी 2/3, फिर पलट लो, 1 + 1/x = 3/2। एक को फिर ट्रांसफर मारो यानी 1/x = 3/2 - 1 1/2, फिर पलट दो तो x बराबर क्या आ गया, 2। समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, हम पलटते चल रहे हैं बस। तो x बराबर कितना आ गया, 2। डन, अगले प्रश्न पे आए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये प्रश्न भी बड़ा मजेदार बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहा गया 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8 डॉट, फिर 1 - 1/3, 1 - 1/5, 1 - 1/7। इसको सॉल्व करने पे 1 + 1/x आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालें। अब देखो कितना सड़ा सा प्रश्न है, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। आप गुणा करिए ऐसे, फिर ये 1 + 1/4 5/4, फिर 7/6, फिर 9/8, फिर 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7, इसका गुणा करिए तो कुछ कट रहा होगा, जरूर कटेगा। देखो यहाँ से 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, और क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 9/8 बराबर आ गया आपका 1 + 1/x, यानी कि हम कह सकते हैं 1/x बराबर 9/8 - 1 यानी 1/8, तो x बराबर कितना हो गया, 8। डन, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अब सीरीज शुरू हुआ है, तो अब सीरीज देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। कहा गया 1/3 × 7 1/7 × 11 1/11 × 15 और ऐसे 899 × 903, इसका आपको निकालना है सम। सीरीज में अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, ना गुड़ा हुआ है ना भाग, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो एग्जाम हॉल में तो आपको तुरंत दिखेगा हर, क्योंकि अंश में तो एक 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 सब में दिख रहा है, तो उसमें कोई चेंज हम कर नहीं पाएंगे। हमें दिख रहा है 3 से 7 हुआ, फिर 7 11 आ रहा है, फिर 11 15 आ रहा है, यानी 4 4 का डिफरेंस हर जगह आ रहा है, ठीक है 4 4 का डिफरेंस हर जगह आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 1/(n)(n+4) अगर कहीं पे लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 1/(n)-1/(n+4) लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो 1/(n)-1/(n+4) को सॉल्व करेंगे तो 4/(n)(n+4) आएगा, 4 से 4 कट जाएगा। सिमिलरली इसको लिख लो ऐसे, ये इसको लिख सकते हैं पहले वाले को 1/4 × 1/3 - 1/7, ऐसे दूसरे वाले को 1/4 × 1/7 - 1/11, ऐसे तीसरे वाले को 1/4 × 1/11 - 1/15, तो यानी 1/4 हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये बचा 1/3 - 1/7, दूसरा बचेगा 1/7 - 1/11, तीसरा बचेगा 1/11 - 1/15, ठीक है, और ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कितना बचेगा, 1/899 - 1/903, यही तो बच रहा है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि जैसे देखो पहला पद आया, दूसरा पद आया, तीसरा पद आया, आपको पता है जैसे पहले पद के बाद दूसरा पद जो आ रहा है उसका पहला वाला पहले के दूसरे से कट जा रहा है, ऐसे इसका 1/11 इससे कट गया, ऐसे अगले में 1/15 आएगा वो कट जाएगा, ऐसे यानी कि पहला पद हर टर्म का कट जा रहा है, यानी इसका भी पहला पद कट जाएगा, देखो तीसरे का भी पहला पहले कटा, फिर दूसरे का भी पहला, तो आपको दिख रहा होगा कि जो अगला पद आता है उसका पहला टर्म, उसका पहला पार्ट, और जो उससे पहले वाला होता है उसका लास्ट पार्ट कट जाता है, यानी एक इससे पहले वाला पद क्या रहा होगा, 1/895 - 1/899,
तो उससे 899 कट गया, यानी आपका ओवरऑल बचा कितना। आप कहेंगे जी ओवरऑल तो हमारा इतना ही बचा 1/4 ब्रेकेट में 1/3 और यहाँ पे -1/903। सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ 903 माइनस 3 यानी 900 और बटे 3 इंटू 903, 3 से काट दो ये 300 हो गया, 3 से फिर काट दो 100 हो गया, ये आपका 301 हो गया, यानी आपका हो गया 100/301 × 4, 100 इससे कट जाएगा 25 दे देगा, यानी 25/301 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया ना? तो आपको ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि 1/n (n+4) को क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 1 - n - 1/n+4, या हम अगर जनरलाइज करें इसको तो हम 1/r (n)(n+r) को लिख सकते हैं 1/n - 1/n+r, यानी कि हमें हर जगह r बनाना पड़ेगा। अगर n(n+r) दिख रहा है तो आपको r बनाना पड़ेगा अंश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी थी यहाँ पे, ठीक है? तो इसको नोट कर लो कहीं पे, या फिर आप वैसे समय अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ना लिखो। अब ये प्रश्न देखो, कहा गया व्हाट इज द यूनिट डिजिट। देखो नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट समझ लो शादी हुई है एक दूसरे की, इतना ज़्यादा बार साथ आएंगे, वैसे पति पत्नी कभी साथ नहीं आते हैं लेकिन ये साथ ही आएंगे। देखो 1^5 + 2^5 + 3^5 + ……20^5 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछा गया। अब यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट बारात का दूल्हा है, मतलब अगर यूनिट डिजिट पूछा गया तो आपको बारात में केवल दूल्हे से मतलब होना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट पूछा गया तो हर संख्या के यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। यानी 1^5, 2^5, 3^5 ऐसे सबके यूनिट डिजिट को जोड़ लेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा। आप एक चीज़ समझिए, 1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + 5^5 + 6^5 + 7^5 और प्लस ऐसे करते जाएंगे तो 20^5, यही तो ये इसी का यूनिट डिजिट पूछा गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 11^5, 12^5, 13^5, 14^5 ऐसे ये 9^5 तक जाएगा और ऐसे इसमें भी 19^5 तक जाएगा। 10^5 का यूनिट डिजिट 0, 20^5 का यूनिट डिजिट 0, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 यूनिट डिजिट है, तो 0 जुड़े या घटे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप अगर देखें तो 1^5 का यूनिट डिजिट 1, 2^5 का यूनिट डिजिट 2, 3^5 का यूनिट डिजिट 3, 4^5 का यूनिट डिजिट आपको पता है कि 4^5 का यूनिट, रुको 2^5 का 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक है? तो 4^5, 4 की साइक्लिसिटी 2 की 2 होती है, यानी 4^5 अगर इवन आएगा यानी सम आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और अगर ऑड आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, यानी यहाँ पे 4 हो गया। 5^5 कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 6^5 कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 7 की साइक्लिसिटी आपको पता है 4 होती है, तो अगर ये आ रहा है तो 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है? और ऐसे 8 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, 8 × 8 = 64 × 8 = 512 8 की साइक्लिसिटी 4, तो 8^5 कितना आएगा 5, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 8। और ऐसे 9 की यूनिट डिजिट केवल 2 होती है, या तो 1 या तो 9, और आपको पता है 9^5 अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, अगर 9^5 विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9। तो आप कहेंगे जी 9^5 है जो कि विषम संख्या है, तो हो गया यूनिट डिजिट 9। ऐसे 11 में भी यूनिट डिजिट में हमें 1 से मतलब होना चाहिए, 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ऐसे ये चीज़ें दो बार आ जाएंगी, इन्हीं को जोड़ना है हमें, तो जोड़ दीजिए। तो 9, 8, 17, 7, 24, 36, 5, 35, 4, 39, 3, 42, 2, 44, 1, 45 का यूनिट डिजिट 5, और 5 का 5 में 2 से गुणा होगा यानी 90, यूनिट डिजिट का सम करेंगे तो 90 आ जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? इसका एक फार्मूला भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, 1^(n), 2^(n), 3^(n……, या जितनी भी \n, इसका इकाई अंक क्या आता है, लेकिन यहाँ लगता है मुझे ज़रूरी नहीं है, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे डेराइव करके फार्मूला आता है, ठीक है? अदरवाइज वो फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी बेसिक जानो पहले। कहा गया एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। आपको मैक्सिमम बताना है, लेकिन ये नहीं कि मैक्स ऑप्शन में से मैक्सिमम बताना है, ठीक है? ऑप्शन में जो मैक्सिमम दिया गया उसमें बताना है। अब अगर x को मैक्सिमम करना है तो y को मिनिमम करना पड़ेगा, y या z को किसी को मिनिमम करना पड़ेगा। z को मान लो हम 2 कर देते हैं क्योंकि मिनिमम
प्राइम नंबर कौन सी है? दो। अब अगर ये दो हो गई तो अगली प्राइम नंबर कौन सी हो सकती है? अगली प्राइम नंबर दो हो सकती थी। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो दिया नहीं गया, अगर ये प्राइम नंबर है तो हम वाई बराबर भी दो ले सकते हैं, जेड बराबर भी दो, तो ये दो दो चार और एक्स प्लस चार बराबर 38, तो एक्स की वैल्यू 34 भी हो सकती थी। लेकिन ऑप्शन में 34 क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका मन नहीं था 34 देने का। ठीक है, आपसे पूछा गया ऑप्शन में कौन सा मैक्सिमम हो। अब अगर हम वाई बराबर दो ले रहे हैं, जेड बराबर मान लो थोड़ी देर के लिए पाँच ले लें, जेड बराबर पाँच ले लें, तीन भी ले सकते हैं, पाँच भी ले सकते हैं, लेकिन हम पाँच ले रहे हैं। पाँच क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ऑप्शन में 31 मैक्सिमम दिख रहा है। अब 31 से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं ले सकते जिससे एक्स की वैल्यू 31 से ज़्यादा आ जाए। तो अगर हम जेड बराबर कितना ले ले रहे हैं? पाँच, वाई बराबर दो, जेड बराबर पाँच ले ले रहे हैं, तो एक्स प्लस सात बराबर 38 आ रहा है, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 31। यानी ऑप्शन में से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स की कितनी हो गई? 31। अगले प्रश्न पे आए, चलो आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 89 नंबर क्वेश्चन, केवल कैलकुलेशन पूछा गया है, समझ लो। कहा गया कि कितनी प्राकृतिक संख्या है अंडर रूट 261 और 45 109। इसका मतलब आपको वर्गमूल चेक कर, ये चेक कर रहा है कि वर्गमूल आपको आता है या नहीं। अब देखो, अगर हम बात करें 261 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे जी 261 का वर्गमूल कितना होगा, निकालो 261 का वर्गमूल। तो आपको पता होना चाहिए कि 261 17 का स्क्वायर, 289 और 17 से पहले 16 का 256, यानी कि ये 16 और 17 के बीच में, यानी इससे जस्ट बाद 17 आएगा, यानी 17 पहली संख्या हो जाएगी। अरे देखो, अंडर रूट 261 कुछ दशमलव में आएगा, आपसे नेचुरल नंबर पूछा गया, तो इससे जस्ट बाद 261 कोई पूर्ण संख्या तो है नहीं, ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 पॉइंट समथिंग के जस्ट बाद वाला 17 मिनिमम संख्या आएगी जो इसके बीच लाई करेगी। और 45109 का वर्गमूल निकालो, तो 45109 का वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया, दो दूनी चार, तो यहाँ पे दो आ गया, ख़त्म हो गया, चार हो गया, ये आपका 51 उतर के आ गया एक बार, तो 41 आ गया, घटेगा 10, 09, फिर ये 42 हो गया, दो बार जाएगा, यानी कि दो, यानी 212 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 212 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू है। लेकिन चूंकि 212 के बाद अगर 213 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 212 पॉइंट समथिंग है, तो हमारी जो नेचुरल नंबर आएगी वो 212, उससे ज़्यादा लेंगे तो, अगर 213 ले लेंगे तो वो इससे बाहर निकल जाएगी। यानी हमारी संख्या है 17 मिनिमम हो सकती है और 212 मैक्सिमम हो सकती है। यानी 17 से लेकर 212 के बीच कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे 212 माइनस 17 कर दीजिए, तो कितनी संख्या होंगी इसमें से घटेगा, ये पाँच आ जाएगा, ये आपका आ गया 195, और 195 में एक जोड़ देंगे, यानी आपकी कुल कितनी संख्याएं हो गई? 196 संख्याएं होंगी, जो 196 संख्याएं होंगी जो इसके बीच में लाई करेंगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमने 196 क्यों लिया, 195 क्यों नहीं। आप एक चीज़ बताओ, एक से लेकर आठ तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं? आप कहेंगे आठ माइनस एक घटाओ सात और सात में एक जोड़ दो, यानी आठ प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर ऐसे पूछूं मैं दो से लेकर पाँच तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं, तो आप कहेंगे अंतर निकालो, तीन, तीन में एक जोड़ दो चार, यानी कि दो तीन चार पाँच, चारों संख्याएं लेनी है, क्योंकि दो और पाँच दोनों को एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है। तो टोटल संख्याएं कितनी होगी? 196। डन। अगले प्रश्न, ये क्वेश्चन समझिएगा, आपसे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 123 21 प्लस 123 4 321 प्लस 123 4 5 4 3 2 1, इसका वर्गमूल, इसको जोड़ना है। आपको पता होना चाहिए, देखो अंडर रूट 121 कितना होता है? 11, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसका वर्गमूल निकालने कहा जाए तो आप कहेंगे थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, गिनो एक दो तीन, तीन आया, तीन के बाद फिर देखिए पलट रहा है, यानी दो एक हो गया। कितनी बार, कितनी संख्याओं तक गया? एक दो तीन तक गया, यानी तीन बार एक लिख दो, इसका वर्गमूल हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो चार तक आ रहा है, यानी चार बार एक लिख दो, उसके बाद पलट रही है संख्या। यहाँ पे पाँच तक आ रहा है, यानी पाँच बार एक लिख दो, इसका वर्गमूल हो गया। जोड़ दो सबको, तो ये आ जाएगा चार, ये आ जाएगा कितना चार, यहाँ पे आएगा तीन, यहाँ पे आएगा दो, यहाँ पे आएगा एक, तो एक दो तीन चार आपका आंसर हो गया, एक दो तीन चार, चार आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आए, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। देखो 33 के पावर 3 और 3 के पावर 33 की तुलना करनी है। अब देखो मेरे भाई, एक काम करो आप, 3 के पावर 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 के पावर, या ऐसे लिखो 3 के पावर 11 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 33 के पावर 3। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई, कि यहाँ भी पावर 3 आ रहा है, यहाँ भी पावर 3 आ रहा है, यानी अब इसको तुलना कर लो, आप बेस को इसके तुलना करो, 33 बड़ा है कि 3 के पावर 11। आप कहेंगे जी 3 के पावर 4 ही 81 हो जाता है, तो 3 के पावर 11 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी आपका बड़ा कौन सा हो गया? ये, तो आपका बड़ा कौन सा है? बड़ा है ये वाला 3 के पावर
33 वाला, तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरे कथन पे आते हैं, क्योंकि इसमें 33 के पावर 3 को बड़ा दिखाया गया था, यानी पहला गलत है। अब दूसरे कथन पे आते हैं, दूसरा कथन क्या कहा गया, 333 बड़ा है 3 के पावर 3 के पावर 3 से, यानी कि 3 के पावर 3 के पावर 3, यानी 3 के पावर 9। 3 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 27 × 27 × 27। कौन सा बड़ा है, 27 × 27 × 27, 333 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी आपका ये भी कथन गलत हो गया। तो आपका कथन कौन सा सही है, दोनों गलत हैं, यानी नीदर वन नॉट टू। कौन सा सही है, कोई सा भी सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से है। कहा गया कि p बराबर दिया गया 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर, ऐसे ...94 का स्क्वायर, एंड q इज इक्वल टू गिवन 1² + 5² + 9² + ...81 का स्क्वायर। आपसे वैल्यू पूछी गई p माइनस q की, थोड़ा सा जगह चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखो अगर p माइनस q लिखा जाए, जगह मैंने कह दिया तो ये नहीं कि कठिन हो गया। देखो p माइनस q का स्क्वायर अगर हम बात करें, यानी सॉरी p माइनस q की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस ऐसे लिख लीजिए आप 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, यानी एक टर्म पहले पी का फिर एक टर्म क्यू का, ऐसे साथ साथ लिखते चलिए, +10 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर + ... +81 का स्क्वायर है, तो इससे एक ज़्यादा वाला टर्म भी इसमें आया होगा, यानी 82 का स्क्वायर - 81 का स्क्वायर। और आपको पता है इसके हर टर्म के बीच में 4-4 का डिफरेंस है, तो 82 तो यहाँ आ गया, यानी कि बचा कितना होगा, 86 का स्क्वायर + 90 का स्क्वायर + 94 का स्क्वायर। समझ में आ गया, हमने क्या किया, p माइनस q लिखा, और क्या किया, p माइनस q लिखने के बाद हमने एक एक टर्म, एक p का एक q का, एक p का एक q का एक साथ लिख लिया। क्यों लिखा वो भी आपको कारण पता चल जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे 82 तक लिया, क्योंकि यहाँ पे 81 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ 6 आ रहा है, ऐसे यहाँ 81 आया होगा तो यहाँ 86 भी आया होगा, तो 82 भी आया होगा, तो 82 तक तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं। अब बच कौन सा रहा है, 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। हमने 4-4 का गैप क्यों लिया, क्योंकि पहली सीरीज में देखिए हर टर्म के बीच में 4-4 का डिफरेंस आ रहा है। डन। अब देखिए इसको a² - b² के फॉर्म में तोड़िए, तो a + b × a - b, यानी 2 - 1 = 2 + 1, यानी कि 3 हो गया, प्लस दूसरा ऐसे 6 - 5 × 6 + 5, यानी 1 × 11, तो ये 11 हो गया, ऐसे ये 19 हो जाएगा, ऐसे .. ये कितना हो जाएगा, अरे 82 - 81 × 82 + 81, यानी कि 1 × 163, तो आपका हो गया 163। तो यहाँ तक एक सीरीज बन रही है, और प्लस 86 का स्क्वायर + 90 का स्क्वायर + 94 के स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करें, तो 86 का स्क्वायर + 94 का स्क्वायर, 86 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 90 - 4 का स्क्वायर, और 94 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 90 + 4 का स्क्वायर, यानी ये लिखा a - b² ये a + b² अगर a - b² और a + b² जोड़ें तो क्या मिलता है, 2 × a² यानी 90 का स्क्वायर, और + b² यानी कि 4 का स्क्वायर, और +90 का स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। एक चीज़ बताइए, देखिए यहाँ पे 8 का गैप फिर 8 का गैप, ऐसे इसका मतलब पता चल रहा है कि इस सीरीज में 8-8 का गैप आ रहा है, और पहला पद पता है और अंतिम पद पता है। आपको पता है अंतिम पद बराबर होता है, यानी Sn बराबर होता है a + n - 1 × d होता है, यानी कि 163 बराबर हो जाएगा 3 प्लस, हम क्या करना इस मतलब ये फार्मूला लगा के क्या करना चाह रहे हैं, n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यानी कि ये n - 1 × d, सार्वंतर कितना है 8 का, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है 8 का। अब इसको अगर आप इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 163, ठीक है, यानी कि 160 बराबर हो गया n - 1 × 8, यानी 160/8 बराबर हो गया n - 1, ये हम कह सकते हैं n बराबर आ गया 21, यानी इसमें पदों की संख्या हमें पता चल गई। अब इसका सम निकाल लीजिए, अगर हम इसका सम निकालने जाएंगे तो ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2, यानी 21/2 इंटू पहला पद 3 प्लस अंतिम पद 163, और प्लस इधर सॉल्व कर लीजिए 2 × 90 का स्क्वायर = 8100 और 16 = 8116 बचा, और +90 का स्क्वायर बचा हुआ है, यानी कि +8100 अलग बचा हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा दे रहा हूँ। पता है यहाँ पे अभी उतनी अच्छी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, ये तो इतना अच्छे से आपको करवा देता, वैसे फिर भी कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसी का सम निकालना है। अब देखो ये आपका हो गया 21/2 × 166, अरे 163 और 3 = 166, प्लस 90 का 81 16 / 2, यानी कि हो गया आपका 162 32
प्लस 8100, यही बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 21 गुणे तिरासी, 21 63 और 21 68 168 174 यानी 1743, ये हो गया। और प्लस ये आपका 16 232, तो प्लस 8100 जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 4 7, 1 2 3 7 10, 8 6 14, 1 15 1 16, 1 1 2 26 075 आपका सम आ गया। समझ में आ गया? तो आपको सीरीज को किस फॉर्म में, यहाँ पे दो फार्मूले यूज हुए, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो कि होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे l लास्ट टर्म होता है और l बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म, n पदों की संख्या होती है, ये लास्ट टर्म होता है। तो ये दोनों फार्मूले आपके समांतर श्रेणी के यहाँ पे यूज हुए, तो इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ए पी जी पी एच पी मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, 93 नंबर को कहा गया a बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज़ बताइए, इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप क्या करिए, यहाँ चूँकि हम पिछले क्वेश्चन में दूसरे मेथड से कर चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरे मेथड से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखो, आपको लिख सकते हैं 10/4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 100/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1000/4, और ऐसे 8 पदों तक बात की गई है, यानी एक के बाद 8 0 3 2 5 6 7 8, देख लीजिए 3 3 6 2 8 और 4, 1/4 कॉमन ले लीजिए, दहाई का अंक केवल एक में आ रहा है, जोड़ेंगे सबको तो एक बार दहाई आएगा, फिर एक 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 कितने अंकों तक, 3 3 6 3 9, यानी कि 3 और 3 6 7 8 9, इतना हो गया आपका। सम कर लीजिए, 10 प्लस 100 प्लस 1000, इसका सम कर लेंगे तो दहाई इसमें आएगा, सैकड़ा इसमें आएगा, हज़ार इसमें आएगा, फिर ऐसे 10000, तो ऐसे जुड़ते जुड़ के इतना हो जाएगा। अब 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग करेंगे, सीधे भाग कर दीजिए, 4 2 8, आपका बचा कितना, 3 31 4 7 28, फिर 2 28 2 20 4 5 नहीं 4 7 28, और फिर 2 बच रहा है, 2 0 20 हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया, यानी हो गया 2 7 7 7 7 7 7 7 5, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया 7 वाला। समझ में आ गया ना क्या किया? देखो मैंने क्या किया इसमें, देखो 10 प्लस 100 समझिएगा, प्लस 1000 प्लस 1 के बाद 4 0, इसको जोड़ेंगे, अब मान लो यहीं तक होता तो आप कहते दहाई किसमें केवल इसमें आ रहा है, सैकड़ा केवल इसमें आ रहा है, हज़ार केवल इसमें आ रहा है, और 10000 केवल इसमें आ रहा है, तो दहाई के अंक का स्थान, इकाई तो 0 हो गया, सब में 0 है, दहाई केवल इसमें आ रहा है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1, फिर ऐसे सैकड़े पे जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1, ऐसे करेंगे तो आपको पता चल गया कि दहाई का अंक 1, सैकड़े का अंक 1, यानी हर अंक 1 हो जाएगा सिवाय इकाई के, क्योंकि इकाई में सब में 0 आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, m की वैल्यू दी गई, n की वैल्यू दी गई, आपसे पूछा गया m प्लस n। देखो अगर m और n को जोड़ोगे तो 0.1 0.3 जुड़ गया, तो 0.4 हो जाएगा, और आपको पता है कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा किस में आएंगे अंक, ये इसमें आएंगे, जो कि होगा 0.00009, यानी 6 अंक इसी में आएंगे, बाकी इसमें 4 अंक तक आ रहे हैं, इसमें भी मतलब इसमें 6 अंक तक आ रहे हैं, यानी सबसे लास्ट डिजिट जो दशमलव के बाद होगी वो 9 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 आ जाएंगे छठवें अंक पे, दशमलव के बाद छठवें अंक पे, क्योंकि 6 अंक तक जाएगा ही नहीं, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी 9 होनी चाहिए और शुरुआत वाला अंक 4 होना चाहिए, तो किस में आ रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपका कॉन्सेप्ट जो दिमाग का कुंद दिमाग है उसकी बत्ती जला देगा, ये मेंटॉस तो नहीं है लेकिन दिमाग की बत्ती जलाने भर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, P=96/95×97, Q=97/96×98, R=1/97, आपको बताना कौन सा सही है, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इससे बेसिक भी कुछ नहीं हो सकता, इससे ईजी भी कुछ नहीं हो सकता, तो चलो देखो, और ये किसी की मेथड नहीं है, ये मेरी अपनी मेथड है, तो देखो, और आपकी मेथड है, सबकी मेथड है मतलब, लेकिन ये किसी टीचर की मेथड नहीं है, और टीचर ने जिस मेथड से करवाया होगा वो तो आप जानते ही होंगे। देखो पी बराबर आपको दिया गया है 96/95×97, देखो क्वेश्चन जो भी SSC बनाती है वो इसीलिए बनाती है कि आप आसानी से कर पाएँ, Q=97/96×98, और आर बराबर दिया गया है 1/97। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 96 1/2 × 192,
दो से भाग करें दो से गुणा, तो 96 दूना 192 और दो से ऑलरेडी भाग कर लिया, 192 को क्या लिख सकते हैं 95 धन 97 बटे 195 गुणे 97। समझ में आया क्या किया मैंने, दो से गुणा किया दो से भाग, तो ये हो गया 192 दो से गुणा करने के बाद, और दो से ऑलरेडी भाग कर ही लिया है यानी कि 1/2, और ये हो गया 192 को हम 95 + 97 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 आपको दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं 96 धन 98 क्योंकि ये 194 आ गया, 194 को 96 धन 98 लिख लीजिए, ये आ गया 96 गुणे 98, और ऐसे इसको लिख लीजिए 1/2 टाइम्स आप 1/97 धन 1/97, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, हमने बस सबको तोड़ लिया थोड़ा थोड़ा। अब आप एक चीज़ बताइए, 1/2 अंश में दो पद हैं हर को लेके अलग हुई, तो 95 बटे 95 गुणे 97, तो ये आएगा 1/95 धन 1/97। ऐसे दूसरे में आएगा 1/2 × 1/96 धन 1/98, और तीसरे में तो आपको पता ही है 1/2 1/97 और 1/97। अब आपको पी भी दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा कौन सा होगा, आप कहेंगे जी सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें हर इसका सबसे छोटा आ रहा है, देखो 95 97 यहाँ आ रहा है, 96 98 आ रहा है, यहाँ 97 97 आ रहा है, यानी इसमें हर जो है वो सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 95 आ रहा है, यहाँ पे 96 आ रहा है। सबसे छोटे वाले की बात की जाए तो यहाँ पे 95 सबसे छोटा है, यहाँ पे 96 सबसे छोटा है, यहाँ पे 97 सबसे छोटा है। तो आपको दिख रहा है कि अगर छोटे वाले की बात की जाए सबके हर में, सब हर का देखो आपको पता है जिसका हर छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, समझ में आ रहा है, यानी जिसका हर छोटा उसकी वैल्यू भिन्न की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला आ रहा है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी हो गई, फिर इससे बड़ी इसकी हो गई, इससे बड़ी इसकी हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे बड़े वाले में ये 97 आ रहा है, यहाँ 98 आ रहा है, यहाँ 97 आ रहा है, यानी कि आपका पी की वैल्यू, देखो पी और क्यू में तो आपको पता चल गया कौन बड़ा है, देखो पी और क्यू की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे 95 आ रहा है, यहाँ 96, यहाँ 97 आ रहा है, यहाँ 98, यानी यहाँ पे ये भी भिन्न इससे बड़ी है, ये भी भिन्न इससे बड़ी है, यानी पी तो बड़ा हो गया क्यू से, यहाँ तक क्लियर, पी बड़ा हो गया क्यू से, आपको पता चल गया पी का हर जब छोटा है तो क्यू से स्वाभाविक सी बात है बड़ा, देखो 1/95 1/96 से बड़ा होगा, 1/97 1/98 से बड़ा, यानी हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है, ठीक है। अब क्यू और आर में तुलना कर लीजिए, देखो अगर हम इसको लिखें तो ये इसको जोड़ें तो 96 + 98 कितना हो जाएगा 194 और बटे 96 गुणे 98, 96 गुणे 98 को क्या लिख सकते हैं 97 - 1 × 97 + 1 यानी 97 का स्क्वायर - 1 नीचे बनेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 97 + 97 यानी 194 / 97 स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ कौन बड़ा है, आपको पता है अंश दोनों का समान है 194 194, हर इसका छोटा है, देखो यहाँ पे 97 स्क्वायर - 1 है, यहाँ पे 97 स्क्वायर, यानी कि कौन सा बड़ा हो जाएगा जिसका हर छोटा, यानी क्यू बड़ा हो जाएगा आर से, तो आपको पता चल गया पी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से, समझ आ गया। आई होप कि इससे आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, और ये आपका हो गया सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, पी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से। इस क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इसमें आपको बड़ा छोटा फाइंड करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करिए, तो 11 17 28 में से 5 घटेगा 23, 23 में से 2 घटेगा 21, और ब्रेकेट में 1/2 / 3/4 - 1/5 - 1/10, 1/2 / 3/4 कितना बन जाएगा 5/4, और -1/5 - 1/10 कितना बन जाएगा 3/10। सॉल्व करेंगे 10 5 50 में से 12, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, ये 20 आ जाएगा, ये 5 5 25 और -6 यानी कि 19/20, 21 सही 19/20 जो कि इधर भी दिया गया है, 21 सही 19/20, यानी पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, दूसरा दिया गया है, देखो दूसरे में अगर हम डिवाइड करें, आप 9 से इसको काटिए तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 1000, ये ऐसे देखिए 1/120, 9 से काटेंगे तो 1/120 हो जाएगा, देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 9/1078, 11/1127, 12/1219। अब इसमें देखिए ऑर्डर देखिए, 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 91 9 और 9 2 18, लगभग 120, 1/120 लगभग पहला हो गया। दूसरे को अगर काटेंगे तो 1/102 लगभग ये हो जाएगा, और तीसरे को काटेंगे तो 1/101 लगभग ये हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि कौन, अगर हर सबका अंश सबका समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, आप कहेंगे अगर सबका अंश समान हो तो भिन्न वो बड़ी होती है जिसका हर छोटा हो, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये,
फिर ये, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा 12/1219, फिर उसके छोटा ये, उससे छोटा ये। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 9/1078, यानी 1/120 सबसे बड़ा है, जो कि गलत है। यानी दूसरा तो खत्म हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे को चेक करते हैं। देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर देखो अगर हम अंश और हर का डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। आप ऐसे देखो कि दो ऐसी भिन्न लो जिनका अंश और हर का डिफरेंस सेम हो, 3/5 ले लो, 1/3 ले लो। अब इसमें देखो कौन सी बड़ी आ रही है, तो आप देखो 3 से 1 में भाग करोगे तो 0.333 आ जाएगा, और 5 से 3 में भाग करोगे तो 0.6। यानी कि आपको पता है अगर अंश और हर का डिफरेंस समान हो तो भिन्न कौन सी बड़ी होती है, जिसमें बड़ी संख्याएं आती हैं। तो बड़ी संख्या किस में आ रही है, आप कहेंगे 157/159 में, तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली होनी चाहिए। लेकिन आपको उल्टा दिया गया, यानी तीसरा भी गलत हो गया। दूसरा तो गलत था ही, तीसरा भी गलत हो गया, यानी सही कौन सा है, केवल फर्स्ट। तो आपका आंसर हो गया केवल फर्स्ट। डन, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए ध्यान से, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं, आसान सा है। अगर 2/3√5, 3/2√5, 5/4√3 और 3/3, इसको सही ऑर्डर में लगाना है आपको बस। तो अगर हम एलसीएम लें तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 24 ही हो गया, 12 हो गया। तो 12 आपका ऐसे बन रहा है, और √5 और √3 का एलसीएम √15 बना लो, 12√15। तो पहले में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4√3 से, यानी पहला हो गया 8√3। दूसरा हो गया इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6√3 से, यानी 18√3 हो गया। और तीसरे में गुणा करना पड़ेगा किससे, 3√5 से, यानी ये 15√5 हो गया। अब आप इसको, हर सबका समान हो गया, अब अंश को एक ऑर्डर में लगा लो, तो 15√5, रूट पाँच की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2.2 समथिंग, यानी कि 15 × 2.2, यानी 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अरे 15 × 2.2 के आसपास कुछ लगाओगे, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 33, 33, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 × 17 करेंगे, तो 18 × 17 कितना हो जाएगा, 289 और 17 जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 289 और 17, 306 के आसपास, यानी कि 30.6 हो जाएगा। 289 और 17 जुड़ेंगे, हाँ 306। और 8√3 को अगर सॉल्व करोगे तो 8√3 कौन सा हो जाएगा, 8√3, यानी 8×1.732, तो आपका ये हो जाएगा सबसे छोटा, यही हो जाएगा सबसे छोटा, ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा। यानी आपका ऑर्डर एकदम सही लिखा गया है पहले का। अब दूसरे को देख लो, दूसरे को अगर हम चेक करें एलसीएम ले, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 और √5, √3 का एलसीएम √15। तो पहले में किससे गुणा करना पड़ेगा, 6√3 से, यानी ये पहला बनेगा 18√3। दूसरे में गुणा करना पड़ेगा 4√5 से, तो दूसरा बनेगा 8√5। और तीसरे में 3√3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 21√3 हो जाएगा। अब 21 को 17 में गुणा करेंगे तो 17 × 17, 17 × 2 = 34, 35, 35.7 के आसपास ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 17.6 के आसपास ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 18 × 1.732, यानी कि 306 के आसपास ये हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे छोटा तो बीच वाला होगा, सबसे छोटा बीच वाला होगा, लेकिन इन्होंने बीच वाले को इससे बड़ा दिखाया, जो कि गलत है। तो आपका कौन सा सही हो गया, केवल और केवल फर्स्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल फर्स्ट। अगले पे आए, समझ आ रहा है ना, चलो अगला क्वेश्चन है। कहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कहे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 इज 12, कहे 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है। देख लीजिए 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2³³× 3² इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो पावर में एक एक ऐड करके, आपको पता है फैक्टर निकाले जाते हैं पावर में एक ऐड करेंगे, तो 3+1, इसके पावर में एक ऐड करेंगे 2+1, यानी कि 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो इसके कुल फैक्टर कितने हो गए, 12, यानी पहला सही हो गया क्योंकि उसमें 12 ही दिया गया था। दूसरे की अगर हम बात करें, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कहा गया 400 है। अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बात करें तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² तो 20 का कितना हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर n² होता है तो 20 का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का 20 का स्क्वायर, यानी 400, यानी दूसरा भी सही हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें, कहा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 अभाज्य नहीं, 98 तो अभाज्य हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सम संख्या, इससे छोटी 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी आपका हो गया 1, 2, 3 तीनों सही आ गए। तो आपका कौन सा सही हो गया, सभी कथन सत्य हैं, यानी कि 98 का डी हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देखो, m की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया m/n, तो सबसे पहले m को सॉल्व करो, तो m बराबर दिया गया है, आप सबसे पहले भाग को गुणे में बदल लो, तो ये दिया गया 3/7, गुणे पलट के गुणा कर दोगे तो भाग का मतलब हो जाता है 5/6 / 2/3 / 1/5, ये दिया गया है, 3 कट गया,
दो से या तीन कट गया, यानी कि 5/21 और प्लस 1/5। सॉल्व करोगे तो ये आपका 46/105 किसकी वैल्यू आई है, एम की वैल्यू। एन की वैल्यू अगर हम बात करें, तो कितना हो जाएगा, अब देखो ये भी कर सकते हैं, यम बटे यन की वैल्यू आपसे पूछिए, यानी एम अंश में आएगा, यानी ये 46 अंश में आएगा किसी भी तरह से, यानी कि 46 के दो फैक्टर 23 और 2, तो देख लो कौन कौन से का अंश 23 से कट रहा है, तो एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, यानी अगर दो ना कट रहे होते तो मैं एक को मार्क कर देता, लेकिन यहाँ पर चूँकि दो ऑप्शन 23 से कट रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। एन को सॉल्व करिए, एन को सॉल्व करने के लिए 2/5 × 5/6 × 3 कर लीजिए इसको, पलट के 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 × 5/6 × 3 धन 3/5 × 2/3 और पलट के गुणा कर लीजिए 5/3। सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, देखो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 3 × 2 = 6, 2 से 2 कट गया, यानी ये हो गया 1, और ऐसे 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, ये 2/3 आ रहा है, तो 1 + 2/3 कितना हो जाएगा, 5/3, यानी एम की वैल्यू तो हो गई 46/105, एन की वैल्यू हो गई 5/3, तो एम बटे एन कितना हो जाएगा, एम बटे एन हो जाएगा 46/105/5/3, तो गुणा कर लीजिए 46 3 देख लो और कुछ कट रहा है, 46 3 कितना हो गया, 3 6 18, 3 6 12 1 13 ये 3 से कट रहा है, किसी से कट रहा है, 525/525, अबे किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 3 11 12, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो, तो 3 6 12, 3 6 18 और 3 से ये भी कट जाएगा आपका, तो 3 से कटेगा तो कितना दे देगा, 3 ये 175 हो जाएगा, 46/175। अब देखो 175 किसका हर आ रहा है, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 25 और 21 46/105 और इधर सॉल्व करने पे 1 + 2/3 यानी 5/3, तो ये 3 3 6 18, 3 से इसको काट दो, ये 35 35 5 175, 46/175 आ रहा है, यहाँ पे 69/175 दिया गया है, सॉल्व कर लेना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, m की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, आपसे m बाई n पूछा गया, अब सॉल्व करो, m को सॉल्व करेंगे तो ये दिया गया 3/7, भाग को पलट के गुणा कर लीजिए, यानी ये दिया गया 3/7 × 5/6 × 2/3 धन 1/5 × 3/2, यही तो दिया गया है, और n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है 2/5 × 5/6, भाग है तो गुणा कर दीजिए 3 धन 3/5 × 2/3 और पलट के 5/3, अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, ब्लू कलर से करिए सुंदर लगेगा, 3 2 6 कट गया, यानी ये बचा 5/21 धन 3/10। एन को सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 कट गया, 3 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी ये 1 हो गया, प्लस 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, 2/3 आ गया, 1 + 2/3 यानी 5/3 ये हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 50 और 63 113/210। अब आपसे यम बटे यन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 113/210/5/3, 3 से काट देंगे 70 आ जाएगा, 70 5 350 यानी 113/350 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहा गया m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आता है, 2 3 4 और 5 आता है, कहा गया जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो अगर हमसे पूछा गया होता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 5 6 और 7 से विभाजित हो, तो हम 4 5 6 7 का एलसीएम लेते और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते, उसमें भाग करते, शेषफल जो आता उसको घटा देते, आपका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ शेषफल बच रहा है, तो आप देखो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आ रहा है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है, और 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 आ रहा है, शेषफल 5 4 किससे आ रहा है, 6 से डिवाइड करने पर 4, 5 से 3 आ रहा है, इसको 2 आ रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आ रहा है, 5 से 3, 6 से 4 और 7 से 5, अगर आप डिफरेंस लो 4 और 2 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंस जो आता है इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंस समान है, डिफरेंस भाजक में और शेषफल में समान आ रहा है, भाजक यानी 4 से भाग करने पे जो 2 शेषफल बच रहा है, 5 से 3, 6 से 4, 7 से 5, तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि 2 2 का सेम आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, 4 5 6 7 का एलसीएम निकालो, 4 5 6 और 7 का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 5 60 70 420, एलसीएम क्या आ गया 420।
अब चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, नौ 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 नौ, ठीक है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ। अब इससे इसमें भाग करो, देखो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिससे जो इन सबसे कटती है, तो आप निकालो। इसके लिए 420 से 99 99 में भाग करना होगा, जो कि हो जाएगा ये 840, ये आपका आ जाएगा 159, 9 3 बार जाएगा यानी कि 1260 हो गया, यानी कि आपका बचेगा 339 शेषफल बचेगा, और इस 339 को इसमें से घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे कट रही है, यानी 9999 माइनस 339 यानी कि 9660 वो संख्या हो गई जो इन सबसे कट रही है, किसे किसे, 4, 5, 6 और 7 से। लेकिन हमें दिया गया था कि सबसे विभाजित करने पे कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, और शेषफल का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो जो डिफरेंस आया था उसको इसमें से घटा देना। कॉमन डिफरेंस सबका कितना आ रहा था, 2 को इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 9658। अब 9658 वह संख्या है, 9658 वह संख्या है जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 2, 3, 4 और 5 शेषफल बचता है, डन। अब आपसे पूछा गया ये बराबर दिया गया था m, ये संख्या दी गई थी m, यम चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4 और 5 आ गया। अब कहा गया m को 9 से विभाजित किया गया, 9 से इसको विभाजित करिए और देखिए शेषफल क्या आता है, तो 9 से विभाजित करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63 और 2 × 28 × 9 = 27 यानी शेषफल कितना है, 1। तो आपसे यही पूछा गया शेषफल कितना आएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, डन। अगले प्रश्न पे आए, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो 11, 7 कितना दिया गया, 18, 10, 8, 18, ऐसे 17, 11, 28, 15, 13, 28। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, मान लो एक संख्या ये दे दी गई, दूसरी संख्या ये दे दी गई, दोनों का गुणा करेंगे, अगर दोनों का योग समान है तो 11, 7, 18, 10, 8, 18 दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 77, यहाँ पर आएगा 88। आपको पता होना चाहिए कि जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो गुणनफल किसका बड़ा है, 10, 8, 80, तो किसका गुणनफल बड़ा है ये, तो आपका संख्या कौन सी बड़ी होगी, जिस साइड का प्रोडक्ट आपका बड़ा होगा आपकी वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपका 10, 8, 80, 11, 7, 77 यानी आपका पहला सही हो गया क्योंकि ये बड़ा है। ऐसे अगर इधर निकालें तो 11 × ये 187 आ जाएगा, 15 × 45 ये 195 हो जाएगा, तो आपका कौन सा बड़ा है, ये वाला 195 बड़ा है 187 से, यानी ये बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इसको बड़ा दिखाया गया यानी ये गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है दूसरा गलत, यानी कि आपको प्रोडक्ट निकालना होता है 10, 8, 80, 11, 7, 77 जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वाली संख्या बड़ी, तो इसका प्रोडक्ट बड़ा 10, 8, 80 बड़ा है इससे तो ये संख्या बड़ी, यानी फर्स्ट केवल सही है दूसरा गलत है, तो आपका केवल फर्स्ट हो जाएगा, डन। ये क्वेश्चन देखो कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आपको बताना है कि देखो रूट 12, थर्ड रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 24। अब अगर आप ऐसे करो तो 12 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12 का अंडर रूट लगभग कितना हो जाएगा, 3.5 या 3.4 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 का थर्ड रूट की बात करें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चूंकि यहाँ पे पावर छोटी है तो हम कर लेते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेशन से नहीं करते। देखो 12 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, 16 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, और 24 की पावर 1/4 लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे 1/2, 1/3, 1/4 का, यहाँ पे 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी ये 12 की पावर 6 की पावर 1/12 लिखा हुआ है, ये 16 की पावर 4 की पावर 1/12 लिखा हुआ है, और ये 24 की पावर 3 की पावर 1/12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि 24 की पावर 3 लिखा है, ये 12 की पावर 6 लिखा है, ये 24 की पावर 3 लिखा है। आप ऐसे कर लो, देखो 12 × 12, या इसको लिख सकते हो 144 का क्यूब, अरे 12 की पावर 6 को क्या लिख सकते हो, 144 का क्यूब, और अगर हम इसको लिखें ऐसे तो हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब × 16। आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पे 144 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 16 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 24 का क्यूब, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 12 वाला। और आप एक चीज़ बताइए, 16 का क्यूब × 16 यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं, 32 का क्यूब × 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इसमें निकाल के इसमें गुणा कर दिया, यानी 32 का क्यूब × 2 ये लिखा हुआ है, और ये 24 का क्यूब लिखा हुआ है, तो कौन सा बड़ा है, 32 का क्यूब बड़ा होगा कि 24 का क्यूब, आप कहेंगे 32 का क्यूब, यानी ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि आपका पहला सबसे बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे 144 का क्यूब आ रहा है, दूसरी जगह पे 32 का क्यूब आ रहा है, तीसरी जगह पे 24 का क्यूब आ रहा है, तो आपका पहला वाला सही हो गया क्योंकि रूट 12 बड़ा हो गया क्यूब रूट ऑफ 16 से, और वो बड़ा हो गया फोर्थ रूट ऑफ 24 से। अब दूसरा देखिए, ऐसे 25 की पावर 4 की पावर 1/12 लिख लीजिए, ये लिखा 32 की पावर 3 की पावर 1/12, ये लिखा 48 की पावर 2 की पावर 1/12,
अब आप सबको सॉल्व करिए, 25 के पावर 4 यानी कि आप कह सकते हैं 625 के पावर 1/12 लिखा हुआ है, यानी ये इससे तो बड़ा हो गया। ये देखो 625 के स्क्वायर, सॉरी 625 के स्क्वायर के पावर 1/12 और ये 48 के स्क्वायर के पावर 1/12, यानी 625 का स्क्वायर बड़ा तो ये वाली संख्या तो बड़ी हो गई इससे। अब इन दोनों में तुलना करिए, तो अगर आप तुलना करें तो आपको मिलेगा ये कितना लिखा है, 625 का स्क्वायर और गुणे कितना 1/12, और इसको लिख लीजिए 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर गुणे 32 लिख सकते हैं, 32 का स्क्वायर गुणे 32। या आप ऐसे करिए, इसमें 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुणे 2, 4 इसमें से निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा 128 का स्क्वायर गुणे 2, 128 का स्क्वायर गुणे 2। तो आपको पता है 625 का स्क्वायर बड़ा हो गया या 128 का स्क्वायर गुणे 2, आप कहेंगे 625 का स्क्वायर, यानी ये वाला बड़ा हो गया इससे। अब इन दोनों में तुलना कर लीजिए, इन दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे मिला है, हमें मिल रहा है 128 का स्क्वायर गुणे 2, यहाँ पे मिल रहा है 48 का स्क्वायर, यानी ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, यानी आपका ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो जाएगा इससे, यानी कि सेकंड भी सही है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड में दिया गया 9 के पावर 3 के पावर 1/12 ना ही लिखो, ये लिखा 15 के पावर 4 के पावर 1/12 और ये 24 के पावर 2 के पावर 1/12, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, 24 के पावर 2 यहाँ पे लिखा है, 15 का स्क्वायर कर लो, यानी कि 225 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है 24 के पावर 2, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, आप कह सकते हो 729, या ऐसे करो 9 का स्क्वायर गुणे 9 लिख लो, यानी ये 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 27 का स्क्वायर। अरे 9 का क्यूब कहें या 27 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 9 गुणे 9 गुणे 9 का क्यूब हो गया, इसमें से 3 निकाल के इसमें गुणा, 3 निकाल के इसमें गुणा, यानी ये 27 गुणे 27 बन जाएगा, यानी ये 27 का स्क्वायर लिखा। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला है, फिर उससे छोटा ये वाला है, फिर इससे छोटा ये वाला, यानी बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है, यानी क्यूब रूट ऑफ 15 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 4th रूट ऑफ 9, फिर उसके बाद 6th रूट ऑफ 24, ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 4th रूट ऑफ 9 सबसे बड़ा दिया गया है, यानी ये गलत हो गया, यानी पहले और दूसरी, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये सीरीज देखो, कहा गया ए बराबर दिया गया 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 + ……. टर्म्स, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, यानी समेसन निकालना है। अब देखो यहाँ पे वैसे देखोगे तो कोई सीरीज नहीं दिखेगी, लेकिन अल्टरनेट ले लो 1, 3, 5, 7, ऐसे 30 टर्म इसमें हो जाएंगे, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + ……. 30 टर्म्स। और दूसरे वाले में देखो तो ये लिखा हुआ 10 + 12, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस ऑफ 10 + 12 + 14 + ……. 30 टर्म्स इसमें हो गए, 30 टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप दोनों का सम लेके और फिर जोड़ दीजिए, तो आपको पता है अगर n विषम संख्याओं का सम की बात करें तो n विषम संख्याओं का सम कितना होता है, n स्क्वायर, तो 30 विषम संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, यानी 900 इसका सम हो गया। और अगर इसके सम की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है माइनस 30 पदों का योग निकालना है, तो n बटे 2 इंटू 2a, यानी 2 × 10 = 20 प्लस n माइनस 1 यानी 29 गुड़े डी 2, तो ये आपका हो गया माइनस 15 × 20 और 58, 78, तो ये आपका हो गया 15 × 8 = 120, 15 × 7 = 105 और 12 × 117, यानी 1170 माइनस का और 900 प्लस का, यानी 900 माइनस 1170, तो आपका आंसर आ गया -270। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया, n पदों का योग बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बाई 2 आगे लगा लो, यहाँ n बराबर 30 पता था, a पहला पद 10, अंतर 2, d इसका मतलब 2 हो गया और n की वैल्यू 30, खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न देखो, कहा गया कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, यानी हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 to 2000 जिनको 341 से विभाजित करने पे 5 शेषफल बचता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर किसी संख्या को 341 से भाग करने पे 5 शेषफल बचता है तो हमारी संख्या 341 एन प्लस 5 के फॉर्म की हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू कितनी हो सकती है अभी बात कर लेंगे, यानी हमारी संख्या 341 एन प्लस 5 के फॉर्म की हो जाएगी, जहाँ पे n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर और इंटीजर होगा, ठीक है, n सीधे कहो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखो n बराबर कितना रखेंगे, 1000 से बड़ा है, तो n बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा 1000 से तो बड़ा आ जाएगा, देखिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 1123 दे देगा और 5 1128। n बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो कितना दे देगा, n बराबर 4 रखने पे इसको 340 से जूम करिए तो ये आपका दे देगा 1360। n बराबर 5 रखिए
एन बराबर 5 रखने पे आपका 3415 1700 आ जाएगा, और एन बराबर 6 रखेंगे तो ये 2000 से नीचे ऊपर चला जाएगा। यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, एन बराबर 3 रखेंगे तो एक संख्या मिलेगी, रख दीजिए, एन बराबर 4 रखेंगे तो एक संख्या मिलेगी, एन बराबर 5 रखेंगे तो एक संख्या मिलेगी, एन बराबर 2 रखेंगे तो 1000 से छोटी हो जाएगी, और एन बराबर 6 अगर रखेंगे तो 2000 से बड़ी हो जाएगी। यानी एन की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, यानी 3 संख्याएँ पॉसिबल हो जाएंगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। डन। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट इतना प्लस इतना प्लस इतना। देखो 64 का वर्गमूल 8 प्लस 0.0064 का वर्गमूल 0.08 प्लस ये 0.9 और प्लस ये 0.09 जोड़ दो तो ये आपका 8 और 0.9 8.9 हो गया, और प्लस ये 8.9 लिखा हुआ है, और प्लस 0.8 प्लस 0.9 यानी कि 0.17 हो जाएगा। 0.9 में 0.17 जोड़ेंगे, ये कितना 8.9 में 0.17 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.07, यानी कि आपका पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे की जांच कर लेते हैं, तो आपको दिया गया 0.10201 यानी कि 0.10201 का किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है 101, यानी ये हो गया 0.101 का इसका वर्गमूल हो गया। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको पता है, ये 99.9 का स्क्वायर लिखा है, और ये कितना लिखा है 0.5 का स्क्वायर। अब आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 10.4, ये 10.5, ये सॉरी हाँ 10.51 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए इसको, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.9, और ये 5 दो जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पे भी दो जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 1 0 5 1 6 9 15 9 1 10, यानी 10.501 आएगा, जो कि ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये गलत दिया गया है, तो आपका दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही है। समझ में आ गया, तो केवल पहला सही है। ये इस प्रश्न में केवल और केवल कैलकुलेशन है, तो आप खुद कर लीजिएगा, आप कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस प्रश्न को देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 6/13 कर दीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए, इस सीरीज को सॉल्व करिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 2-2 का, यानी कि आप 1/2 से भाग कर दीजिए, मतलब 1/2 से 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये 2/1/3 बचेगा, ये 2/3/5 बचेगा, ये 2/5/7 बचेगा, और मैंने आपको बताया R/n (n+r) बराबर होता है 1/n, यानी 1/(1-1/3), ऐसे अगला पद बन जाएगा 1/3-1/5, ऐसे अगला पद बन जाएगा 1/5-1/7, और प्लस ऐसे .. 1/11-1/13। ठीक है, यही बचेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, यानी पहला पद कट जाया करेगा, यानी ये 1/2 टाइम्स ऑफ 1-1/13 है, यानी 12/13 बचेगा, यानी 12 से ये 2 से कट के 6 दे देगा, यानी ये आपका हो जाएगा 6/13। सीरीज का सम कितना है, 6/13, यानी आपका कौन सा कथन सही है, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला गलत हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो 3 से काटोगे तो लगभग 24 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो लगभग 18 आ जाएगा, 7 से काटोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 13, 7, 91, 14, 1/14। अब आपसे सीधे सीधे पूछा गया, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/3 से काटोगे तो 24 आ जाएगा लगभग, इसको काटोगे तो 1/18 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 1/14 लगभग आ जाएगा। अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, अगर अंश समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर सबसे छोटा होता है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरे में ऐसे करो तो 1/12 लगभग लिखा हुआ है, फिर दूसरा वाला कितना लिखा हुआ है, 1/13 लगभग लिखा हुआ है, और तीसरा वाला कितना लिखा हुआ है, 1/13 लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा, तो ये 1/12, 1/13, 1/14, यानी दूसरा भी सही है। समझ में आ गया, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों कथन, तो 108 का सी हो गया। समझ आ गया। अच्छा, ये ऐसा कहाँ पे करना है, जहाँ पे अंश अलग अलग हों। ठीक है, अंश अगर अलग अलग हैं तो आपको अंश से हर को अंश को एक बना लेना है, काट के कुल मिला के अप्रॉक्सीमेशन से आप कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न देखो, कहा गया अच्छा प्रश्न है, कहा गया 1+1/2 (+1/3) + .. + 1/20 = k दिया गया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो आप कहेंगे जी 1/2 (+1/3) + .. + 1/20 = कितना हो जाएगा, k-1 हो जाएगा।
अब आप देखिए, 1/4, 1/6, 1/8 ऐसे निकालना, यानी 2 का दूना, 3 का दूना, 4 का दूना, ऐसे 20 का दूना, 40 यहाँ पे, यानी 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दो। तो 1/2 से हम कह सकते हैं गुणा कर दो, तो 1/2 से दो से अगर भाग करेंगे दोनों पक्षों में तो हर पद में होगा, तो 1/2 में हर में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस ... प्लस 1/20 में, 20 में जब 2 से गुणा होगा तो 1/40, इधर भी 2 से भाग हो जाएगा, यानी k माइनस 1/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, कहा गया a बराबर 2^32 है, b बराबर 2^31 प्लस 2^30 प्लस ..., 2^0, c बराबर 3^15, 3^14, 3^13 ..., 3^0। तो आपसे बताना है कि ए बी सी में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, यानी इसको किसी ऑर्डर में लगाना है। ए बराबर आपको दिया गया 2^32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी बराबर अगर हम बात करें, पलट के लिख दो, 2^0 से स्टार्ट करके 2^31 तक लिख दो, 2^0, 2^1, 2^2 प्लस ..., 2^31, ठीक है। ऐसे सी बराबर आपको दिया गया है 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3^2 प्लस ..., 3^15। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया है ये कैसी श्रेणी बन रही है। देखो 2^0 मतलब कि एक गुड़े दो, फिर इस सब में 2 से गुणा हो रहा है, और ऐसे यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है। यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला पद है 2^0, किसी संख्या के पावर 0 उसकी वैल्यू 1। आर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना है आपको पता है, सब संख्या में 2 से गुणा हो रहा है, यानी आर बराबर हो गया 2। और चूंकि 0 से स्टार्ट होकर 31 तक गया है तो पदों की संख्या एन बराबर कितनी होगी, 32। नीचे वाले केस में अगर बात करें तो पहला पद कितना है 1, r बराबर कितना है आपको पता है, सब संख्या में 3 से गुणा हो रहा है, यानी r बराबर 3 हो गया। और अगर बात करें कि n बराबर कितना है, तो 0 से स्टार्ट होकर 15 तक गया है, यानी 16 संख्या है। और आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल मीन का n पदों का योग s n बराबर होता है a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसी आधार पर, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए कितना है 1 इंटू आर पावर एन, आर के पावर एन यानी कि 2^32 माइनस 1/2 - 1 यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू होगी 2^32 माइनस 1। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए 0 है, ए 1 है इंटू आर, सॉरी आर कितना है 3, 3^ कितना है एन बराबर कितना है 16 माइनस 1 अपान आर माइनस 1 यानी 3 - 1 = 2। अब आपको बताना है कौन सा बड़ा है। देखो 2^32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4^16। अब 4^16 माइनस 1 बड़ा है कि 3^16 माइनस 1, तो आप कहेंगे जी 4^16 माइनस 1, यानी बी तो बड़ा हो गया सी से, बी बड़ा हो गया सी से। और अगर हम बात करें तो ए बराबर है 2^32 और इसमें से एक घटाने के बाद बी मिलता है, यानी बी जो है ए से छोटा हो गया, क्योंकि ए माइनस 1 बराबर बी है, तो हम कहेंगे बी जो है वो ए से छोटा हो गया, यानी ए सबसे बड़ा हो गया, फिर बी बड़ा हो गया, फिर सी हो गया, यानी ए सबसे बड़ा, फिर बी, फिर सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते। इस क्वेश्चन में कहा गया है यम इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 11। आपको बताना है शेषफल क्या होगा अगर m को 11 से डिवाइड किया जाए। आपको ऐसे केस में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम करना चाहें इसको CRT से, तो क्या कहता है CRT कि आपको ऐसी नंबर फाइंड करनी है जिसको 6 और 5 से डिवाइड करने पे, मतलब 6 और 5 से डिवाइड किया जा सके। सबसे पहले तो ये निकालो 6 और 5 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगी, तो आप कहेंगे जी 30, ठीक है। और आपसे कहा गया कि 6 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल आता है और 5 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल आता है। एक चीज़ बताओ, सबसे छोटी संख्या जिसको 6 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल आए और 5 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल आए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 23। अरे सबसे छोटी संख्या जिसको 6 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल आए और 5 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल आए, वो होगी 23। अब अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपकी नंबर क्या हो जाएगी, 6 और 5 का एलसीएम 30, तो 30K + 23 के फॉर्म की होगी, जिसको 6 से डिवाइड करने पे ऑलवेज रिमाइंडर देगी 5 और 5 से डिवाइड करने पे ऑलवेज रिमाइंडर देगी 3, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। अब अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार वो नंबर आपकी हो गई 30K + 23, आपको फाइंड करनी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी k की ऐसी वैल्यू हम रखेंगे ताकि ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे दे। तो k बराबर आप रखिए 32, k बराबर 32 रखिए, तो k बराबर अगर 32 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 960 + 23।
अगर 33 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 रख देंगे तो 990 प्लस 23 जुड़ के आपका 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको निकालनी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यह के बराबर 32 रख दीजिए, यानी हमारी संख्या कितनी हो गई, 960 धन 23 983, यानी 983 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आता है और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो आपकी 983 वो संख्या हो गई। अब कहा गया यम को 11 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी यम की वैल्यू आपकी आ गई 983। अब 983 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 88 आपका 103, 11 99, यानी 89 भागफल 4 शेषफल, तो यही 4 आपका आंसर हो गया। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार अगर दो संख्याओं को डिवाइड करने पर, दो संख्याओं को ए और बी को, ए और बी से किसी संख्या को डिवाइड करने, कोई संख्या एम है जिसको ए और बी से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर मान लो ए से डिवाइड करने पर के आता है और बी से डिवाइड करने पे शेषफल एल आता है, तो आपको आपके मतलब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा ए और बी का वो एलसीएम, यानी एलसीएम मान लो एल हो कैपिटल एल और प्लस सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ देंगे तो यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दो अंकों का सम लेना है, 5 5 10, 7 3 10 6 7 13 8 5 13, 3 9 12 6 6 12। अब आपको ऐसे केस में क्या करना होता है, अगर अंकों का योग मतलब संख्याओं का योग अगर समान है तो आपको गुणनफल निकालना होता है, तो 7 3 21, 5 5 25, जिसका गुणनफल बड़ा वो संख्या बड़ी, तो पहला 25 बड़ा हो गया, बिल्कुल सही दिया गया। 6 7 42, 8 5 40, 42 बड़ा है, बिल्कुल सही है। 3 9 27, 6 6 36, यानी 27 से छोटा है, यानी कौन कौन सा सही हो गया, पहला और दूसरा, तो आपका पहला और दूसरा सही हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे केस में अगर दोनों संख्याओं का योग समान है तो आपको गुणनफल निकालना होता है और रूट के अंदर जो संख्या है, अगर गुणनफल जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी हो जाती है। कहा गया इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n प्लस 2, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। अब आप ध्यान से देखिए, 3 6 18, यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, यानी कि 8 हो गया इधर और 8 को n प्लस 8 का n में अगर गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारी n प्लस 2 आती है। ठीक है, अब आपसे कहा गया n की वैल्यू क्या होगी, अब n की क्या वैल्यू हो सकती है, n बराबर या तो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 और 9 हो सकता है। अब सबकी वैल्यू रख के चेक करो, 0 हो गया तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 आएगी, ये 0 नहीं होगा। 1 अगर ले तो 8 1 8 और 1 प्लस 2, ये नहीं होगा। 8 2 16, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 3 24, 3 2 5, ये भी नहीं होगा। 8 4 4 2, 6, ये भी नहीं होगा। 8 5 40, 5 2 7, यहाँ ये भी नहीं होगा। लेकिन 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट 8 और 6 2 8, यूनिट डिजिट 8। देखिए n बराबर 8 रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 48 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। और अगर n बराबर 6 रखने पे यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8। और इधर रखेंगे, हमें यूनिट डिजिट दिया गया n प्लस 2, तो n बराबर अगर 6 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगले प्रश्न में पूछा गया कि अगर n बराबर इतना दिया गया तो आपको अंडर रूट n निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ये n बराबर क्या दिया गया है, 12 345 का स्क्वायर प्लस 12 345 और प्लस 12 346 को लिख लीजिए, 12 345 प्लस 1, यानी ये लिखा हुआ है 12 345 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 12 345 प्लस 12 345, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 12 345 इंटू एक कर देंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 12 345 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 12 346 का स्क्वायर। और इसका वर्गमूल पूछा गया, अगर n बराबर 12 346 का स्क्वायर है तो अंडर रूट n बराबर कितना हो जाएगा, 12 346। ये देखो कहा गया फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा गया कौन सा सही है। अब देखो 0.03 अपॉन 0.2 करेंगे तो आपका लिखा हुआ 3/20, इधर लिखा हुआ है 3/20, ये भी लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 3/20, ये भी लिखा हुआ है, और प्लस ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3/20, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.000001 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.010101, देख लीजिए यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 3 6 3 3 6, बिल्कुल सही है। तो आपका ये भी सही हो गया, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/
0.01 का स्क्वायर प्लस इतना इतना इतना, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालें। अब देखो 1/0.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का, मतलब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, और इसको 1/100 लिख लीजिए तो 1/100 का स्क्वायर 100 ऊपर चला जाएगा यानी 100 का स्क्वायर, तो एक के बाद 4 जीरो आ जाएगा, प्लस ये 1/0.25 यानी कि 1/0.25 की वैल्यू 4, प्लस 1/0.0025 यानी कि ये हो जाएगा 400, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 1/0.1 का स्क्वायर यहीं तक है, सॉरी यहीं तक है, ये हिंदी में बाकी लिखा हुआ है, तो ये हो गया 100 प्लस 1000, 10000 प्लस 4 प्लस 400, तो ये कितना हो गया 1504, 10504, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 10504। ये प्रश्न देखो, कह गया 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 प्लस डॉट 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 1+1/998। अब देखो पहला कितना लिखा हुआ है 3/2, दूसरा कितना लिखा हुआ है 4/3, तीसरा कितना लिखा हुआ है 5/4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आएगा 999/998। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, ऐसे ऐसे कटते कटते ये कितना हो जाएगा 998 भी कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 999/2 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 कितना हो जाएगा, 999/2 कितना होता है आपका, हो जाएगा 500 के आसपास हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 499.5। ये बड़ा है 497 से, बिल्कुल सही है। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो 14 5 19 में से 2 जाएगा 17, और 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2 यानी 1/2 धन 1/2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 17, और इसको सॉल्व करेंगे तो 23 में से 7 जाएगा 16, और 16 1/8 प्लस 3/8 यानी कि 1/2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4, 16 सही 1/4 ये दे रहा है, 17 इधर दे रहा है, तो 17 बड़ा है 16 से 1/4 से, बिल्कुल सही, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर अंश अलग अलग हों तो आपको क्या करना होता है, आपको सीधे सीधे काट लेना होता है, तो 3 से अगर काटेंगे 110 को तो कितना आएगा 3 3 9, 3 7 21, 1/37 हो गया, 9 से काटेंगे 9 3 27, और ये 3 कितना 38 हो जाएगा, 9 4 36, 7 से काटेंगे 7 3 21, और ये 7 2 14। अब आपको पता है पहली भिन्न आ गई 1/37, दूसरी 1/34, तीसरी 1/32, जिसका हर सबसे छोटा वो बड़ी होती है भिन्न, अगर अंश समान हो तो हर छोटा हो जिसका वो भिन्न बड़ी होती है, तो आपको पता है 32 छोटा है 34 से तो ये बड़ा हो गया, 34 छोटा है 37 से तो ये बड़ा हो गया, यानी कि आपको पता चल गया पहला वाला एकदम सही दिया गया। अब दूसरे वाले केस में अगर बात करें तो 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस, देखो 99 से 1/7, 2/7, 3/7, 6/7 तक है, यानी 99 6 बार आया तो 99 × 6 हो जाएगा, और इंटू 1/7 प्लस 2/3 7 प्लस 3/7 यानी 1/7 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 1+2+3+4+5+6, ये बचेगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 यानी कि 3 से 7 21 हो जाएगा, यानी ये आपका बचा 99 × 18, 99 × 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 99 × 6 99, हाँ ठीक है, तो ये 99 × 18 हो गया। अब 99 × 18 अगर हो गया तो आपका बचा कितना, ये बचा कितना 1800 माइनस 18, 1800 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, एक मिनट हम कहीं गलत कर रहे हैं, 99 6 बार आया, बिल्कुल सही है 99 6 बार आया, अच्छा हाँ ये प्लस में आएगा 99 × 6 धन इतना आएगा, यानी कि 99 × 6 धन 3 आएगा। एक बार देखिए, देखिए 99 6 बार आ रहा है तो आप कहेंगे 99 × 6 धन 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 डॉट 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 6/7 तक करेंगे तो 1/7 × 21 आ जाएगा, यानी 7 3 21 यानी ये हो गया आपका 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, 594 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 597, तो 597 279 के बराबर है, नहीं, तो आपका केवल करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। कहा गया अगर एफ एक्स की वैल्यू यानी फंक्शन अगर एक्स का हो तो उसकी वैल्यू इतनी होती है तो आपको f1+f2+f3……f10 तक निकालना है। अब f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 − 1/2, f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 − 1/3, x की जगह पे रखते जाइए f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 − 1/4,
ऐसे एफ डॉट 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 एफ टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 - 1/11। अब कहा कि सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि क्या कट रहा है। आप कहेंगे जी दूसरा वाला टर्म कट जा रहा है दूसरे के पहले वाले से, ऐसे इसका पहला वाला इससे कट जाएगा, ऐसे इसका पहला वाला इससे, इसका पहला वाला भी कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 1 - 1/11, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10/11, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, आपको एक संख्या दी गई n बराबर 4^11 - 4^12 - 4^13 - 4^14, पूछा गया हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर दियर। अब अगर इसमें हम 4^11 कॉमन ले लें तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पे 4 का क्यूब यानी कि 64, 64 16 80 4 84 1 85, यानी कि 4^11 गुड़े 85 को लिख सकते हैं 5^1 - 17^1। अब अगर इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 जोड़िए 11, 1 12, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, सबका गुड़ा कर दीजिए, तो 12 × 24 × 48, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इनके, 48। कहा गया इफ n इज इक्वल टू 9^9 देन n इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। अब देखो n बराबर आपको दिया गया है 9^9, यानी ये लिखा हुआ है 3^18। अब अगर हम 3^18 की बात करें तो ये 3^ पहले 1^3 से कटेगा, 3^3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये अगर हम बात करें 9^3 से तो बिल्कुल कटेगा। अगर हम बात करें 27^3 से तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 27^3 3^9 हो जाएगा, ये 3^6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 3^12 से कटेगा पूरी तरह से, यानी कि 81^3 से कटेगा। अगर हम बात करें तो 3^15 से भी कटेगा, यानी कि 243 के क्यूब से कटेगा। अगर हम बात करें तो 3^18 के क्यूब से कटेगा, यानी कि 729 के क्यूब से कटेगा। ठीक है, यानी कि 3^18 से कटेगा, यानी कि 3^6 क्यूब से कटेगा। अब देखिए कुल कितनी संख्या और कितने क्यूब से कट रहा है, तो 1 के क्यूब से कट रहा है, 3 के क्यूब से, 9 के क्यूब से, 27 के क्यूब से, 81 के क्यूब से, 243 के क्यूब से और 729 के क्यूब से, तो टोटल कितनी संख्याएं हुई, 4, 3, 7, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 7। ठीक, आपको दिया गया इफ n इज इक्वल टू 3^14 + 3^13 - 12, तो आपसे कहा गया कि देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n बराबर दिया क्या गया है 3^14, इसमें 3^13 कॉमन ले लो, 3^13 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 4 बच रहा है और -12 बच रहा है। अब इसमें से पूरे में से 12 कॉमन ले सकते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल ले सकते हो, 12 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3^12 -1, क्योंकि 4 बाहर चला जाएगा और इसमें से 1 3 निकल जाएगा, यानी ये बचेगा 12 टाइम्स ऑफ 3^12 -1 को क्या लिख सकते हैं, 3^6 - 1 और 3^6 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 12 गुड़े, ये हो गया 728 और ये हो गया 730। अब आपसे पूछा गया लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, अच्छा एक चीज़ बताओ 730 का फैक्टर क्या है, 73 और 10, 73 से बड़ा कोई संख्या आ ही नहीं रही है, 728 के फैक्टर में 73 से बड़ी कोई संख्या आ ही नहीं रही है, मतलब 73 से बड़ी अभाज्य संख्या, 12 के फैक्टर में तो 73 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या आ ही नहीं रही है, और अगर दो संख्याओं को गुणा हो जाएगा तो फिर वो क्या अभाज्य संख्या रह ही नहीं जाएगी, तो आपका एक 73 एक ऐसी संख्या दिख रही है जिससे ये कट रहा है, ये पूरी संख्या कट भी रही है, यानी n कट भी रहा है और 73 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है इसके गुणनखंडों में, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 73। कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, यानी a + b = 14 दिया गया, कह गया उनके वर्गों के मध्य का अंतर यानी a² - b² = दिया गया 56, तो आपसे पूछा गया उनके वर्गों का योग यानी a² + b² पूछा गया। अगर a² - b² = 56 है तो a - b = कितना हो जाएगा 4, यानी a = 9, b = 5, अब 9² = 81 और 5² = 25, 81 = 25, 106। ये प्रश्न मैंने आपको करके बताया है, ये 11 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ये 11 हो गया, 111 हो गया, वो 1111 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2, 1, 1, 1, 2, ये 1223 हो गया, 1233 कैसे होगा, हाँ 1233 हो गया, तो एकदम सही है। दूसरे वाले का अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 0.8 + 8 + 6 + 0.6, तो 8 से 14 तो 14 + 1.4 यानी 15.4 बिल्कुल सही, तो दोनों सही हो गए। कहा गया कि लेट ए बी सी विद अ फ्रैक्शन सच दैट सी सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा, ए सबसे छोटा, और कहा गया इफ
सी इज़ डिवाइडेड बाई ए द रिजल्ट इज़ 5/2, यानी कि सी को अगर ए से डिवाइड करें तो रिजल्ट जो आता है वो 5/2 आता है। और कहा गया जो कि बी से 7/4 अधिक है, क्या 7/4 अधिक है, 5/2 जो है वो सी से बी से 7/4 अधिक है, यानी 5/2 बराबर है बी प्लस 7/4, यानी कि हमारा बी यहाँ से कितना हो जाएगा 5/2 - 7/4, यानी कि 5 × 2 = 10 - 7, यानी कि आपका हो गया 3/4, बी की वैल्यू हो गई 3/4। अब आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 = 11/12, तो यानी कि ए प्लस सी बराबर आपको दिया गया है 1 = 11/12, यानी कि 23/12 माइनस बी 23/12 माइनस 3/4, यानी कि 9/12, यानी 14/12 हो गया, यानी कि 7/6 हो गया। ए प्लस सी बराबर 7/6 है, और आपको पता है सी बराबर 5/2 ए है, यहाँ से देखिए सी बराबर 5/2 ए है, यानी कि यहाँ पर रख दीजिए तो 5/2 ए प्लस ए 7/2 ए बराबर हो गया 7/6, 2 × 3 = 6, 7 से 7 कट गया, यानी ए बराबर आ गया 1/3। अब आपको निकालना क्या है, सी माइनस ए, यानी सी माइनस ए करेंगे तो 5/2 ए माइनस ए, यानी कि 3/2 ए निकालना है, 3/2 × a की वैल्यू 1/3, तो 3 कट गया, यानी आपका आंसर 1/2। कहा गया कि अगर 12, 16, 18 और 20 और 25 से 25 कम से कम संख्या x को विभाजित करते हैं और प्रत्येक मामले में 4 शेष है, लेकिन x जो है वो 7 से विभाज्य है, तो आप में बताना है कि x से जो x के हजारवें स्थान का अंक है वो क्या होगा। आपको कहा गया कि x कोई संख्या है जिसको 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करने पे 4 शेषफल आता है। ऐसे केस में क्या करना होता है, 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम लेंगे। 12, 16 का एलसीएम कितना हो गया 48, 48 और 18 का एलसीएम हो गया 144, 144 और 20 का एलसीएम हो गया 720, बिल्कुल सही है, 720 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 3600, यानी आपकी संख्या कितनी हो गई 3600। और कहा गया शेषफल 4 देता है, यानी कि हमारी संख्या जो भी होगी वो 3600n+4 के फॉर्म की होगी। कहा गया लेकिन ये संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा 7×5=35, अगर ये संख्या पूरी पूरी 7 से डिविजिबल है तो डिवाइड करिए, 7×5=35, 1×10 = 7, 3×30 = 7, 7×4=28, इतना n+2n+4 7, क्योंकि इतना तो पूरा कट जा रहा है, लेकिन 2n+4 के बारे में तभी कटेगा जब n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 7 से कट जाए। तो n = 1 रखिए, कट रहा है, नहीं कट रहा है। n = 2 रखिए, नहीं कट रहा है। n = 3 रखने में, नहीं कट रहा है। n = 4 रखने पे, नहीं कट रहा है। लेकिन n = 5 रख रहे हैं तो हमारी संख्या 2×5=10, 4×4=14, 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी हमारी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 3600n+4 अगर थी, n = 5 रख देंगे तो ये 18004 हो जाएगी। आपसे पूछा गया इसके हजारवें स्थान पे कौन सा अंक है, तो हजारवें स्थान पे कौन सा अंक आपको दिखाई पड़ रहा है 8। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, 8×64 भाग करेंगे 1/8 × 8, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये लिखा है 7+1+8, देखो 4×16, 16 में 8 से डिवाइड करें, 8 से गुणा करेंगे 128 में, एक बार फिर से देख लो, ये 4×16 16, ये 1/2 हो गया, 1/2 से 8 में डिवाइड करेंगे, यानी 16 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 4×4, 4×16 8 में डिवाइड करेंगे 1/2, तो बिल्कुल सही है, ये 4×4 16, 16 का 4 में डिवाइड करेंगे 1/4 हो गया, प्लस ये 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 1 का 4 में गुणा होगा 4, माइनस 4×2 = 8 का 4 में डिवाइड करेंगे 1/2, यानी आपका ऊपर बच रहा है 16×17=7, 24/4 -1/4, यानी 4 - 1/4 कितना होता है 15/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया 96/15, यानी 15×6=90, 15×6=60। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप बार वाला भी लगा सकते हो कि जितने अंकों पे बार है उसको उतने 9 नीचे लिख लो, लेकिन अगर उससे ना करना चाहो तब वो मेथड में बता दे रहा हूँ, वो आप सबको पता होगी। देखो अगर दिया गया 22, 11, 33, 33 में से 33 घट जाएगा, ख़त्म हो गया, यानी आपको दिया गया 0.4 बार, यानी कि 4 बार रिपीट हो रहा होगा, यानी 4, 4, 4, 4, 4 ऐसे होगा, ठीक है। और आपको दिया गया 0.567 के पावर बार, मतलब 0.567 जिसके पावर बार दिया गया वही रिपीट होगा, यानी ये 6, 7 फिर आया होगा, और 0.59 बार का मतलब हो जाएगा, अभी उसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 4, 7, 11, 6, 4, 10, 1, 11, 4, 7, 11, 1, 12, 4, 6, 10, 1, 11, 4, 5, 9, 1, 10, यानी कि आपका हो गया 1.01211। अब इसमें से कितना घटाना है, इसमें से घटाना है 0.59999
9, अब घटाइए तो आपका बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4। तो ये आपका आया कितना, रिपीट क्या हो रहा है, आपको दिखा क्या रिपीट हो रहा है, 1-2 रिपीट हो रहा है, यानी आपका हो जाएगा 0.412 बार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, खुद करिएगा। ठीक है, वैसे लॉ मैं करवाए दे रहा हूँ। 7 × 14 = 20/7 ऑफ, यानी कि 21/5 और गुड़े 3/2 दिया गया है। तो 7 से 3 कट गया, 5 × 10 = 20 कट गया, यानी आपका आया कितना, 2 × 3 = 18, इस ब्रेकेट की वैल्यू हो गया 18। और गुड़े 1 = 1/9, यानी कि 10/9 लिखा हुआ है, यानी कि 9 × 2 = 18, 2 × 20, यानी कि इतने पूरे की वैल्यू हो गई 20। डिवाइडेड बाई ये लिखा है ऑफ, तो 3 × 6 = 8/3 ऑफ 1/2, यानी 4/3 हो गया। 4/3 का 3/4 में गुणा करेंगे 1, 1 में 1/4 से भाग करेंगे यानी 4, और 20 में 4 से डिवाइड करने को कहा गया 5 आपका आंसर। कहा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या का 1/7, अगर 2 अंकों की संख्या ए बी हो तो आपको अंकों का योग कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और संख्या का मान कितना होता है 10a+b, और कहा गया अंकों का योग जो है इसका 1/7 हिस्सा है, यानी हम कह सकते हैं 7a+7b = 10a+b, यानी हम कह सकते हैं 3a = 6b, यानी a बराबर आपका 2b हो गया। ठीक है, कह गया इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि आपको दिया गया है a - b = 4, यानी कि b आपको 4 दे दिया गया, a = 8 दे दिया गया। अब आपसे कहा गया यदि इसके अंकों को प्राप्त, मतलब अंकों को उलटने पे प्राप्त, हमारी संख्या क्या होगी, अगर a = 8 b = 4 हो गया तो हमारी संख्या हो गई 84। अब कहा गया इसके अंकों को पलट दिया जाए यानी 48 हो जाए, इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 6 = 42, शेषफल कितना है 6। ऐसा क्वेश्चन अब प्री में खूब पूछा जाता है, अगर 7, 8, 9, 7, 8, 1, 1, 0, 8, 5, 3, 6 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। अगर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचता है, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके डिफरेंस के बराबर होगी, मतलब इसके डिफरेंस का HCF होगी। अब इसके डिफरेंस निकालो, क्रमागत 2 संख्या होगी तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा 1, या आपका बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 2, 8 जाएगा 2, यहाँ पे 213 बचा, इसको घटाओगे तो ये आपका जाएगा 426। अब 213 और 426 का HCF निकालो, 213 और 426 का HCF कितना हो जाएगा, जब 213 से 426 पूरा पूरा कट रहा है तो आपका HCF हो गया 213। अब आपसे पूछा गया ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या जो 7897, 8110 और 8536 को डिवाइड करने पर प्रत्येक केस में समान शेषफल छोड़ेगी। यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि प्रत्येक केस में समान शेषफल आ रहा है तो आपको अंतर लेना है, अंतर का निकाल लेना है HCF, वही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यक्स के अंकों का योग निकालना है तो 3, 1, 4, 2, 6, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 6। कहा गया यदि एक 9 अंकों की संख्या इतनी 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, y इज डिविजिबल बाई 72, तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। आपको संख्या क्या दे दी गई है, 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, y, ये अगर 72 से विभाज्य तो ये 8 से विभाज्य होगी, 9 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का केस क्या होता है कि इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 8 से कब कटेंगे, जब y बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो 8, 9, 72 और 6, 64, 8, 8, 64, यानी वाई की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। अब वाई बराबर 4 हो गया, अब 9 से चेक करना है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से, तो 4, 8, 12, 7, 19, 3, 22, 6, 28, 9, 37, 8, 45, 3, 48, 48 में क्या जोड़ें कि ये कट जाए 9 से, तो आप कहेंगे x बराबर 6 रख दो, 48, 6, 54, 9 से कट जाएगा, यानी x बराबर 6, y बराबर 4, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट में 6x यानी 36 + 7y यानी कि 7 × 28, 28 + 36 कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। देखो आपको दिया गया कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8k/2k + 5k/2k वेयर k इज एन ऑड नंबर। आपसे कहा गया कि 8k/2k + 5k/2k इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे k विषम संख्या, k विषम संख्या हो गई यानी कि 2k सम संख्या हो गई, यानी 8k सम हो गया, मान लो k बराबर 1 मान लो, 8k2 हो गया और 5k2 हो गया। अब 8k2 कितना होता है 64, 5k2 25, 64 25 89। आपको सीधे सीधे अगर विषम संख्या दे दी गई तो आप विषम, वैसे सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, विषम मतलब होता है जो 2 से ना कटे, अब 2 से 1 भी तो नहीं कटता, तो k बराबर 1 लेने पे हमारा 8k2 + 5k2 सबसे छोटी संख्या मिल गई। अब ये देखना है किससे कट रही है, ये जिससे कटेगी उसी से सारी संख्याएं कटेंगी, तो ये दिख रहा है 89 से कट रही है, यानी कि
के की कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो 89 से कटती नज़र आएगी। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, x बराबर दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए तीन, तीन यूनिट डिजिट यहाँ है, सात यहाँ है, छः यहाँ है, छः कुछ भी हर केस में यूनिट डिजिट देता है छः। और अगर हम बात करें तीन की तो साइक्लिसिटी होती है चार, चार से डिवाइड कर रहे हैं पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा एक। और सात की साइक्लिसिटी कितनी होती है चार, चार से डिवाइड करेंगे शेषफल दो, यानी इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा नौ। अब आपको निकालना है एक माइनस नौ प्लस छः, तो एक नौ एक छः सात, सात यानी कि मान लो सत्रह, सत्रह में से नौ घटेगा आठ, यानी यूनिट डिजिट कितनी होगी आठ। कहा गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, यानी एचसीएफ आपको दिया गया है 21, ठीक है, और एलसीएम जो है वो 221 गुना है 21 का। कहा गया यदि उन दोनों संख्याओं में एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहली संख्या 21 मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो पहली संख्या अगर 21x है तो दूसरी संख्या 21y हो जाएगी। अब इनका एलसीएम अगर हम लें तो कितना हो जाएगा 21xy, जहाँ पे xy कितनी कैसी नंबर्स होंगी कोप्राइम, और 21xy बराबर आपको दिया गया 221 गुणे 21, 21 21 कट गया, यानी y बराबर हो गया xy बराबर हो गया 221, ठीक है, ये क्या आ गया xy बराबर 221। अब देखो ये किससे कट रहा है, 221 किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे ये किससे कट रहा है 13 से कट रहा है, यानी x बराबर x या y कोई मतलब 221 के फैक्टर करो तो 13 और 17 इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 और 17। अब x बराबर 13 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 17। अब अगर x बराबर 13 हो गया तो पहली संख्या आ जाएगी और y बराबर 17 हो गया तो दूसरी संख्या, तो 13 रखोगे तो कितना हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या हो जाएगी 21x यानी कि 273, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 17 इकनम 17, 17 दूना 34 एक 35 357। अगर दोनों संख्याओं में एक संख्या 200 और 300 के बीच में है यानी ये वाली संख्या हो गई, अगर दूसरी संख्या के अंकों का योग यानी इसके अंकों का योग, तो 7 5 12 3 15 आपका करेक्ट आंसर हो गया। लो भाई आपसे कहा गया लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 15 18 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केसेस 10। कहा गया एक्स 31 का मल्टीपल है तो आपको वैल्यू बतानी है कि एक्स में क्या जोड़ा जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आपको ऐसे केस में 15 18 10 20 मतलब 20 और 27 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 540 हो जाएगा क्योंकि 15 18 का एलसीएम 90 90 20 का एलसीएम 180 180 और 27 का एलसीएम 540, तो हमारी संख्या जो होगी वो 540 एन प्लस 10 के फॉर्म की होगी। अब कहा कि ये संख्या 31 से कट रही है यानी डिविजिबल है, तो 31 से काटिए तो 31 इकन्नम 31 23 230 31 तिया 217 हो गया, यानी कि 17n तो आ ही गया प्लस 13n प्लस 10 ये बच रहा है शेषफल, यानी कि अगर ये संख्या 13n प्लस 10 पूरी पूरी कट जाए 31 से तो आप कहेंगे ये पूरी संख्या 31 से कट रही है, यानी n बराबर रख दीजिए 4, n बराबर 4 रखेंगे 13 चौको 52 10 62 62 31 से कट रहा है बिल्कुल, यानी ये संख्या पूरी पूरी किससे कट गई 31 से, और सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो n बराबर 4 रख दीजिए तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, n बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2170। अब कहा गया 2170 में वो संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि ये पूर्ण स्क्वायर बन जाए। आपको पता है 2170 के जस्ट बड़ी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या 2209, किसका स्क्वायर होता है वो 47 का स्क्वायर, यानी कि इसमें कितना जोड़ दें कि 2209 हो जाए, तो आप कहेंगे 39, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो 424 प्राप्त होता है, यानी कि 10 अगर हमारी संख्या ए बी माने तो 10 ए प्लस बी इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसको कहा गया अंकों के योग से गुणा किया जाता है यानी ए प्लस बी से गुणा किया जाता है तो हमें 424 प्राप्त होता है, ठीक है। कहा गया जब अंकों को उलट कर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 प्राप्त होता है, यानी कि 10 बी प्लस ए को अगर ए प्लस बी से गुणा किया जाए तो 280 प्राप्त होता है, तो आपको अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग निकालना है। अब एक काम करिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, यानी आपका आ गया चार से काटिए तो ये आपका आ जाएगा 106, ये आ जाएगा 70, फिर कटेगा तो ये आपका दे देगा 53, ये दे देगा 35, यानी कि आप कह सकते हैं 350 ए प्लस 35 बी, 350 ए प्लस 35 बी, ठीक है, 350 ए प्लस 35 बी इज इक्वल टू हो गया 530 बी प्लस 53 ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर मिल जाएगा 297 ए
इज इक्वल टू 530 में से 35 घटेगा तो यानी कि 495 बी, ठीक है। 297 ए इज इक्वल टू 497 बी, तो आप इसको सॉल्व करिए, 5 4 9 9 18 7 9 16 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 9 3 27 9 3 27, 9 5 45 9 5 45, यानी 3 a = 5 b आ गया, 3 a = 5 b आ गया। अब आप एक चीज़ बताइए, 3 a = 5 b आ गया, यानी a बराबर अगर हम 5x लें, थोड़ी देर के लिए ऐसे देखिए, a बराबर अगर हम 5x लें तो b बराबर 3x ले लीजिए, यानी हमने क्या लेना है, a बराबर 5x, b बराबर 3x ले लीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 और 3 53x और इंटू 8x बराबर 424, यानी कि हो गया, कट गया, x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1। अब x बराबर 1 आ गया तो हमारे a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 3। आपसे पूछा गया संख्या के अंकों का योग, तो a प्लस b बराबर आ जाएगा 8। अगले प्रश्न में कहा गया 0.56 पावर बार सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, -0.723 बार प्लस 0.39 बार। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 बार मतलब होता है लगभग 1, जैसे 0.9 बार दिया गया है तो लगभग 1 होता है, यानी ये लगभग 0.4 लिखा है, तो ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है 0.56 बार, यानी 0.56 बार माइनस 0.723 बार, ठीक है, और प्लस 0.7 बार को क्या लिख सकते हैं, 7/9। इसको सॉल्व करिए तो इसको घटा लीजिए सीधे सीधे और बार लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगाना है, 2 अंकों पे, तो इसको घटाएंगे अगर तो ये आपका हो जाएगा, इसको ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 60 है, क्या मान लीजिए, या ऐसे मानिए, देखो ये 6 के पावर 12 है तो आप ऐसे मानिए कि 66 के पावर 12 है, ठीक है। अब इसको घटाइए, 13 में से 6 जाएगा 7 और 11 में से 6 जाएगा 5, ये इसी पे बार लगा दीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी कि आ गया 0.157 के ऊपर बार, और प्लस ये बचा है आपका 28/90, यही तो बचा हुआ। अब देखो, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28/90 माइनस, ये आपका लिखा हुआ है 157/990, क्योंकि ये देखो 1 पे बार है नहीं, तो 1 0 लगा देंगे, 5 7 पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 9 लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 8 88, 11 2 22, 8 30, 308 माइनस 157/990, यानी ये हो गया कितना, 153/990। अब आपको पता है कि 0 का मतलब होता है 1 पे बार नहीं लगाना, 1 अंक पे बार नहीं लगाना है, यानी आगे का 1 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि पॉइंट तो लग गया लेकिन 1 अंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 है, और बार किस पे लगेगा, 5 3 पे बार लगा दीजिए, यानी अप्रॉक्सीमेशन से आपका लगभग इसके आसपास आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया कि 3 भिन्न एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, यानी एक्स सबसे बड़ा, वाई मिडिल में आता है और जेड सबसे छोटा। कहा गया उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े द्वारा भाग किया जाता है, यानी सबसे छोटे को सबसे बड़े द्वारा भाग किया जाता है, तो परिणाम 9/16 है, यानी हम कह सकते हैं एक्स बराबर है 16/9 जेड, ठीक है। और कहा गया जो कि वाई से 0.625 अधिक है, यानी कि 9/16 बराबर है वाई प्लस 0.0625 का मतलब हो जाएगा 5/80, ठीक है, यानी कि y बराबर आ जाएगा 40/80, यानी कि 1/2, y की वैल्यू हो गई 1/2। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 16/9 जेड प्लस जेड, यानी 25/9 जेड बराबर 1/2 इधर भेज दीजिए, तो ये लिखा 24 और 13, 37/24, 37/24 में से 1/2 घटेगा तो ये 25/24 आ जाएगा, यानी आपकी जेड की वैल्यू आ गई कितना, 9/24, यानी कि 3/8 जेड की वैल्यू, या ऐसे लिखा रहने दो, 9/24 जेड की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 25/9 जेड, x प्लस जेड करो तो 16/9 जेड प्लस जेड, यानी 25/9 जेड, और 25/9 गुड़े जेड की वैल्यू कितनी है, 9/24, तो 9 कट जाएगा, यानी 25/24 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 3600 के गुणनखंडों की संख्या। अब अगर 3600 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो करो तो 2 × 4 × 8 × 16 हो गया, 16 × 2 = 32, और ये आपका बचेगा 4 × 40, 16 × 2 = 32, हाँ × 3 × 3 × 5 × 5। अब देखो 5×25 25 और 25 × 75 = 300 300
1236। बिल्कुल सही, यानी ये हो गया 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। अब इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टर्स की संख्या अगर बात की जाए तो सबके पावर में एक एक ऐड कर दो, गुणा कर दो, तो 4 × 1 = 5 × 15 × 45, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 72 से विभाज्य वाला हमने कर लिया है, आपने एक बार फिर से कर लीजिए। देखो 5, 6, 7, 8 यक्स 4, 3, 2, 6, 7 वाई, ये 72 से विभाज्य है, यानी कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्यता का नियम, यानी कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो वाई बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 × 8 = 64, 3 = 32, 8 × 4 = 32। वाई बराबर अगर 2 हो गया तो आपसे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, यानी 2 × 7 = 9, 6 × 15 = 17, 3 × 20 = 24, 8 × 32 = 37, 5 × 45 = 50। एक्स बराबर हो जाएगा 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट में 5x, यानी कि 20 + 16, 20 + 16 36 का वर्गमूल 6। अगले प्रश्न पे आए, सिंप्लीफिकेशन का है। देखो अगर 6 में 24 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 का 9 से गुणा करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, प्लस 8 में 10 से विभाजित करना है यानी 4/5 हो गया, माइनस 30 में 16 से विभाजित करना है यानी 15/8 हो गया, और प्लस 27 × 5/9 यानी कि 135/9 हो गया, या आप कह सकते हैं 15 हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो हर सबका बराबर कर लीजिए, यानी 8 हर बराबर हो गया, 9 × 18 − 15 यानी 3 इधर बच रहा है, और 3/8 इधर हो गया, अरे इन दोनों को सॉल्व करो तो 3/8 हो गया, और प्लस 4/5 + 15 हो गया, और हर बराबर कर लो तो 8 × 5 = 40, 40 हर हो गया, यहाँ पे 5 से गुणा ये 15 हो गया, यहाँ पे 8 से गुणा 32 हो गया, और यहाँ पे 40 से गुणा ये 600 हो गया, यानी 632 और 15, तो 647/40 आपका आंसर हो। सिंप्लीफिकेशन आप खुद करिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि अगर 3 के पावर 61 284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। आप सबसे पहले इसी केस की बात कर लो, 3 के पावर 61 284 इसको 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा आपको कि −2 के पावर 61 284, 5 से 3 में डिवाइड करो, −2 के पावर सम संख्या, यानी कि 2 के पावर आपको लिखा है 61 284, और इसको डिवाइड किससे करना है 5 से। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी कि 4 के पावर 346। अब इसमें 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 4 में तो -1, -1 के पावर कुछ भी रहेगा, तो शेषफल 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो भी है वो 1 आ गई। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि एंड 4 के पावर 96 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल y बचता है। आपको पता होगा कि 4 के पावर कुछ भी रहे, 4 के पावर x रहे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल ऑलवेज कितना आएगा 4, चाहे 4 देख लो, चाहे 16 देख लो, चाहे 64 देख लो, अगर 4 के पावर कुछ भी है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, यानी वाई बराबर आपको दिया गया 4। अब आपसे पूछा गया 2x - y, यानी 2 − 4 आपसे पूछा गया, तो ये हो गया −2। डन, अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहा गया ए बी सी, वही वाला क्वेश्चन है, कहा गया यदि सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है यानी C/A किया जाता है तो परिणाम 9/2 आता है जो बी से 23/6 अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं बी बराबर हो गया 4/6 यानी कि 2/3, बी बराबर 2/3 हो गया, और सी बराबर हम कह सकते हैं 9/2, और तीनों का योग 19/12 दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं 11/2 बराबर हो गया 8, 11/12 यानी a बराबर हो गया 1/6। आपसे कहा गया 2a = 1/6 हो गया, a = 1/6 हो गया। अब आपसे कहा गया तो c बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 × 1/6 यानी कि 9/12 यानी 3/4, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की। आपसे कहा गया 2a यानी कि 1/3 प्लस b यानी कि 2/3 माइनस c यानी 3/4, तो 1/3 + 2/3 1 − 3/4, तो आपका 1/4 आंसर हो गया। ऐसा प्रश्न हमने किया है, कहा गया दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है, यदि उनका एचसीएफ 12 है, अगर 12 एचसीएफ है तो पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, इनका एलसीएम दिया गया है आपको 204 गुना 12 का, यानी कि 12xy बराबर दिया गया है 204 गुना ऑफ किसका 12 का, यानी हम कह सकते हैं xy बराबर 204 हो गया, यानी संख्याओं का अंतर आपको दिया गया 60 है, xy बराबर 204 और x − y बराबर दिया गया है 5, तो आपसे पूछा गया x + y कितना होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं x + y बराबर होता है x − y² यानी 25 प्लस 4 × xy यानी कि 816, यानी 816 और 25 841, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 29। अब अगर 29 वर्गमूल हो गया यानी आपका x + y बराबर आ गया 29,
एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 29। मान लो यहाँ संख्या ए प्लस ए और बी दी गई थी, ए प्लस बी पूछा गया, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12 टाइम्स आप एक्स प्लस वाई, यानी 12 टाइम्स आप 29, यानी 12 नौया 108 और 12 नौ 24 10 34, तो 348 आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, यानी ए माइनस बी बराबर दिया गया मान लो 2001, क्योंकि बड़ी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, यानी कि ए को अगर हम 20 से विभाजित करें तो भागफल कितना आता है 9 और शेषफल 41, यानी ए बराबर हो जाएगा 9b + 41, ठीक है, यानी इसमें वैल्यू रख दो तो 8b + 41 इक्वल टू दिया गया 2001, यानी 8b इक्वल टू दिया गया 1960, यानी कि 1960 हो गया, हाँ, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 और ये कितना बच रहा है 3 = 36, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, बी बराबर 245 आ गया। अब कहा कि बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, बी बराबर अगर 245 आ गया तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 245 × 9, यानी 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 40, 9 × 2 = 18 और 4 = 22, 2205 + 41 यानी 2246 हो गया। इसके अंकों का योग पूछा गया 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 14। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा कि अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिएगा, अब मैं ये नहीं करवाऊँगा, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन का है ये कर लेना है। ये प्रश्न देखिए, कहा गया कि अगर 127 / 97 + 97 / 97 को 32 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो 127 / 97 और + 97 / 97 इसको डिवाइड करना है 32 से, अगर 32 से इसमें डिवाइड करें तो आप कहेंगे जी 32 × 128 होता है, 128 से 127 कितना कम है माइनस मतलब एक कम है, यानी कि बचेगा माइनस एक, यहाँ पे शेषफल बचेगा -1/97 यहाँ और प्लस 32 से अगर इधर डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा 32 × 96 प्लस एक बच रहा है यहाँ पे +1 × 97 +1/97, यानी कि यहाँ पे बच रहा है -1/97, यहाँ पे बच रहा है +1/97, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाँ, तो ये यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, अरे -1/97 - -1 और 1/97 + 1, यानी शेषफल दूसरे केस में तो एक बच रहा है लेकिन पहले केस में -1 बच रहा है, -1 बोले तो यानी 32 - 1 = 31 पहले केस में बच रहा है, दूसरे केस में 1, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 32 शेषफल 32 से 32 में विभाजित कर देंगे तो 0, या आप यहीं कर सकते थे -1/97 + 1/97 यानी ये 0 हो जाता है तो शेषफल 0, ठीक है। देखो ये प्रश्न क्या कहा गया, कहा गया यदि विभाजन विधि से भागफल द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो अंतिम भाजक आपको पता है कितना है, अंतिम भाजक 17 है और अंतिम भागफल कितना है 2, यानी यहाँ 2 अगर आया और अंतिम भाजक है ये तो यहाँ 34 रहा होगा, तभी तो पूरा पूरा कटा होगा। अब देखो जो ये आपका शेष मतलब वो होता है क्या कहते हैं भाजक जो होता है मतलब भाज्य जो होता है वो इससे पहले वाले केस में भाजक रहा होता है, 34 से भाग किया गया भागफल 11 आया और शेषफल 17 बचा, यानी हमारी संख्या कितनी रही होगी 11 × 44 11 × 33 और 4 = 37, इसमें 17 जोड़ दीजिए यानी कि 391, ये जो रहा होगा ये अगले केस में भाजक रहा होगा यानी 391 रहा होगा और भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 34, यानी 391 और 34 शेषफल रहा होगा, यानी 4 × 5 = 9 × 3 = 12 = 3 × 4 = 425 दूसरी संख्या थी, अब इन दोनों को जोड़ इन दोनों का योग पूछा गया, पहली संख्या हो गई 391 दूसरी संख्या हो गई 425 दोनों को जोड़ दीजिए 5 × 6 = 9 × 2 = 11 = 3 × 4 = 7 = 1 समझ रहे हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट भाजक है उससे अगर भाग करने पे भागफल आ रहा है 2 और लास्ट भाजक है तो इसका मतलब शेषफल 0 रहा होगा, और जो ये शेषफल होता है अगर मैं ऐसे कहूं कि 391 और 425 का मासा निकालो, आप सीधे करके देखना तो आपको उल्टा वाला समझ में आ जाएगा। लो भैया सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है लेकिन लास्ट प्रश्न है इस वजह से मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखो 24 × 2 / 12 यानी 24 / 6 यानी कि आपका ये हो गया 4 प्लस 12 / 12 1 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 8 × 4 यानी कि 15/2 ये हो गया 15/32 हो गया, 15/32 अगर 1 में विभाजित करेंगे तो यानी 32/15 हो गया ऑफ मतलब गुड़े हो गया, पहले इसको करो देखो ये हो गया ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और डिवाइडेड बाई 15 × 8 = 32 15/32 है ऑफ यानी गुड़े ये 4 × 5 = 20 कर दीजिए तो 4 × 5 = 20 4 × 8 = 32 यानी 75/8 तो 5/75/8 यानी कि 5 × 8/75 हो गया तो 5 से कट के 15 आ जाएगा यानी ये आपका आ गया कितना आ गया
अच्छा ये पाँच चार प्लस है, सॉरी चार प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा चार प्लस, यानी कि ये एक है, चार प्लस एक भागे 75/8, यानी कि ये 4 + 8/75 हो गया। 4 + 8/75 कितना हो जाएगा, 4 सही 8/75, यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पी। तो ये थे कुछ 153 क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरी तरह से वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वीडियो समझ में आई है, मतलब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद। और इसके बाद अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बताएं।